राइट आज की क्लास एक खास पर्पज से मैंने बुलाई हुई है और हम लोग शुरू करते हैं। आज नोट्स मेकिंग की क्लास है। ये बहुत दिन से एक पेंडिंग हमारा जो है वो काम बचा हुआ था और ये बहुत ज़रूरी भी था नोट्स मेकिंग के लिए। रीज़न ये है कि अभी लगातार क्लासेस में मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है, ठीक है, और आप लोग जो लिख रहे हैं उस पर आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी बहुत खुशी हो रही होगी, हालांकि आपकी अंतरात्मा जान रही होगी आपको कितनी खुशी हो रही होगी। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कल शाम को बहुत देर तक कि आप जो है वो आंसर राइटिंग ऑप्टिमम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है और आप उसके बाद जो है आपको डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा है, डिलीवरी ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है, और अगर आप तुरंत के तुरंत ऑप्टिमली जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब है। आप क्लासेस को उस तरह जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रहे जैसे आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और पहले मैंने बताया कि आपका एक एक मिनट कीमती है। इस क्लास से ज्यादा जो सिस्टम चल रहा है उससे ज्यादा आप पूरे दिन भर में आपका कोई ऑप्टिमम टाइम नहीं है। अगर कोई लोग ये समझ रहे हो, जो आप लोग का एक माइंडसेट बन गया है कि क्लास में यार जैसे आप लोग एजुकेशन सिस्टम से आए हो, वहां पे क्लासेस में क्या होता था, टीचर कुछ बोल रहा है चलो सुन लेते हैं, लास्ट में तो कुंजी आती है, विद्या गाइड और फलाना गाइड, ये सब हम अपना जो इस्तेमाल कर लेंगे, यूपीएससी वो नहीं है। अगर आप जिस एजुकेशन सिस्टम से, स्पेशली हिंदी मीडियम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में मैं भी बहुत वाकिफ हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ और आप भी बहुत वाकिफ हूँ, ठीक है, तो आप दोनों लोग बहुत वाकिफ हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो अगर उस माइंडसेट के साथ अगर यहां बैठे रहोगे तो ये तो अपना टाइम जो है वेस्ट करोगे, और इसके बाद आप लास्ट में जाकर चिल्लाओगे कि यूपीएससी जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। जब आपको सुधार करने के लिए कहा गया था तब आप सुधार के लिए तैयार नहीं थे। आपकी जो आंसर राइटिंग डिलीवरी है वो ऑप्टिमम नहीं। अभी मेरे डेस्क पे जो है वो कुछ आंसर्स रखे हुए थे, कल प्रीएम्बल के बारे में बात हुआ था और आंसर दिया गया था लिखने के लिए, ठीक है, तो वो ऑप्टिमम नहीं जा रहा है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत अपने आप से सेटिस्फाइड हो लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, कल कॉन्सेप्टर बैच में जब मैंने क्लास लिया था और उसके बाद मैंने एक एक डायमेंशन को डिस्कस करना शुरू किया था और बताया था किस तरह चैलेंजेस हमारे सामने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आता है, जहां पर आपको एक टॉपिक के साथ कितने आयाम जोड़ने पड़ते हैं। कल कौन कौन था उस क्लास में, ठीक है, गुड। उसके बाद जो है, और मैंने आंसर राइटिंग करने के लिए दो क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने जो किया, पहली बात तो चार पांच लोगों ने ही आंसर राइटिंग अटेम्प्ट किया, और उसके बाद जिन लोगों ने किया उसके बाद भी वो जो पहला पॉइंट था वो लास्ट में जाकर सेट हो रहा था, जिस बात को पहले कहा गया था गवर्नेंस क्या है वो कहीं और पहुंच रही थी, ठीक है, तो आपका जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा हिला हुआ था। अगर तुरंत पढ़ाया हुआ दो घंटे के अंदर की चीज़ अगर आप जो है वो नहीं उसको जो है डिलीवर कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके रिसीव में जो आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव की उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपके सामने। इसके लिए आपको सिंपली जो है एक बात याद रखिएगा, आप सीखते कैसे हैं, यानी क्लास में टीचर जो आपको डिलीवर कर रहा है और आप उसका निष्पादन यानी उसका आउटपुट क्या देते हैं, जो आप आंसर एसे और जो ये दिन भर बैठ के जो है अपना जो माथा पीटते रहते हैं कि अभी ये हमारा काम है निष्पादन, याद रखिएगा दोनों एक ही तार के दो सिरे हैं, ठीक है। इफ योर रिसेप्शन इज फॉल्टी, अगर आपका सीखने की प्रक्रिया जो है वो अगर एक त्रुटिपूर्ण है तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं आपका आउटपुट जो होगा वो बहुत ज्यादा त्रुटिपूर्ण होगा। और अगर आज आप यहां नहीं सीख पा रहे हैं, अगर आज आप यहां नहीं जा पा रहे तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपका आउटपुट जो होगा वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, नहीं सुधार पाओगे आप, चाहे आप आंसर राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लो, एसे की क्लासेस ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप ये जान ही नहीं रहे हो कि जो आप रिसीव कर रहे हो उसके अगर गलतियां हैं, वो रिसेप्शन अगर प्रॉपरली नहीं है तो आपका आउटपुट अपने आप ही गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं एक लेटर लिखता हूं, ठीक है, और लेटर में कुछ मैं मिस्टेक्स कर देता हूं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामर मिस्टेक्स है, पॉइंट्स के मिस्टेक्स हैं, और मैं प्रिंट लेता हूं तो प्रिंट कैसा आएगा, मिस्टेक्स आएगा। मैं प्रिंटर को गलती करता हूं और मैं प्रिंटर हटाकर जो है वो दूसरा प्रिंटर लेकर आता हूं, फिर मैं प्रिंट लेता हूं, सही हो जाएगा। मैं प्रिंटर चेंज किए जा रहा हूं, इंक चेंज किया जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पर आ गया, चेंज हो जाएगा, कहां चेंज होगा, जहां मैंने जो लिखा है, जो प्रोग्रामिंग की, अगर मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा आउटपुट कभी भी सही नहीं आएगा। मुझे प्रिंटर चेंज करने की बजाय मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, अपना जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने जो है उसको इनपुट प्रोग्राम जो मैंने राइट किया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आप लोग साथ यही दिक्कत है कि आप लोग प्रिंटर चेंज करते हैं, एक टीचर से दूसरे टीचर, एक किताब से दूसरी किताब, आप सोचते हैं कि इसके बाद जो है वो आपका भाग्य जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो सिंपल सा स्टेप है कि जब क्लास में आपको रिसेप्शन के लिए बोला गया था इसको प्रॉपरली जो है आप ग्रहण करिए, तब आप जो है यहां पर गड़बड़ कर चुके थे। और यही रीजन है कि आज तत्काल पढ़ाने के बाद आपका जो आंसर है वो ऑप्टिमम नहीं आ पा रहा है जिस तरह से आपका आना चाहिए। दोनों लोगों को मैंने देखा, कॉन्सेप्टर बैच को भी देखा और फाउंडेशन, और सभी लोग जितने भी सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं उन सबके साथ यही समस्या आ रही है। इसीलिए मुझे आज जो है वो क्लास को रोक कर इस क्लास के लिए मुझे आना पड़ा ताकि आप लोग जो है कम से कम आगे का सिस्टम सही करिए, क्योंकि 6 तारीख के बाद आप लोगों को QIP में जाना है,
क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जाना, और ये रिगोरस हो जाएगा स्पेशली फाउंडेशन बैच के लिए, 19 बैच के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पर डे आपको आंसर राइटिंग के साथ गुजरना पड़ेगा, और वो भी डिफिकल्ट आंसर राइटिंग के साथ। लेकिन जब आपको आंसर लिखना आएगा तब तो मैं आपको QIP में लेकर जाऊंगा। क्वालिटी इंप्रूव तब होती जब क्वालिटी हो, ठीक है? तो वहां पर जो है आपको इसके साथ तत्काल काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो आप क्लास में रिसीव करते हैं कहीं वो तो गड़बड़ नहीं हो रही है, और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो आप करते हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट, नॉट टेक दैट्स मेक, बहुत बड़ा अंतर है इस नोट टेकिंग में और नोट मेकिंग में। ये आपका प्रोसेस है और ये मेरा प्रोसेस है, ठीक है? तो यहां पर याद रखिएगा, हम लोग नोट मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, और ये जो है वो काफी हद तक पैसिव स्टडी को सपोर्ट करता है, जो आप मजे से एसी लगने के बाद ठंडी हवाओं में जो आप आनंद लुत्फ उठाते हुए जो है आप जमाई लेते हुए अंगड़ाई लेते हुए क्लास करते हैं, एक वो प्रोसेस होता है। और ये जो मेकिंग प्रोसेस है ये आपका एक्टिव स्टडीज का प्रोसेस है, जहां पर आप एसी में भी पसीना फेंक देंगे, टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व करके रखेंगे। सो ये जो है वो साइडलाइंस है और ये इन्वॉल्वमेंट्स है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडीज। नाम सुना होगा, टॉपर स्मार्ट स्टडीज करते हैं, ठीक है? ये किसी दुकान पर या किसी चिप में मिलने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सीखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। सो हमें जो है वो मूवमेंट करना है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ढकेल के लेकर जाऊंगा। मैं मानने वाला नहीं हूं आपकी पैसिव स्टडीज में, और जो आप लोग कर रहे हैं क्लास में, जब टीचर ऑप्टिमली पढ़ा रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, वीडियोज के साथ आ रहा है, हर चीज के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, और उसके बाद भी अगर आपकी डिलीवरी जो है वो 10% एक्यूरेसी के नीचे जा रही है, इसका मतलब जो है वो आपके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और उसको हमें क्लास की शुरुआत में ही सुधारना पड़ेगा। आप में से किसी का भी आंसर अगर मैं चेक कर दूं, जो मैंने चेक किया और जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो मैं कॉपियां तक फाड़ देने की हालत में हूं कि मुझे इस पे जो है वो एक नंबर नहीं देना है, और ये सबके साथ है। तो शुरुआती दौर में ही हम लोग क्लास में क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है आज सीखना शुरू करेंगे। नोट मेकिंग क्या होता है और नोट टेकिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, चलिए शुरू करें। आप सभी लोगों को जो है मैंने कुछ नोट्स दिए हैं, आज मैं ये सिखाने के साथ साथ, ये अखबारों के नोट्स हैं, जो आप लोगों की समस्या है अखबार कैसे पढ़ते हैं, आप लोगों ने पूछा, कई लोग आए कि अखबार से नोट्स कैसे बनाते हैं, एक बुक से नोट्स कैसे बनाते हैं, टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो हम उसको पैसिव नोट्स कैसे बनाते हैं और एक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं, हम इन दोनों की जो है वो शुरुआत करेंगे, डन? तो सबसे पहले मैं आप लोगों का माइंडसेट चेक करना चाहता हूं, आप अपने माइंडसेट के साथ जो बेसिक्स है, जो आपके अपने तरीके हैं, ट्रू, बिल्कुल ट्रू रही है उसके साथ जो आप काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है? इस वर्ड पे आप लोगों को एक कॉपी निकालिए, और जिस तरह जो आपका नेचुरल है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं कि अभी ओजांग सर से सामने जो कुछ हमें दिखाना है, जो नए बच्चे स्पेशली वो, मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, सक्सेस, सफलता, और यहां से हम अपनी शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने ये शब्द लिख रहा हूं, इस शब्द के लिए मैं आपको 4 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में लिख डालिए, जैसे लिखते हैं आप, राइट, उसको जो है वो लिखना शुरू कर दीजिए अपनी कॉपी में, आप जैसे लिखते हैं एज इट इज। मैं आपको 4 मिनट का समय दे रहा हूं, 4 मिनट्स ऑप्टिमली, जैसे आप क्लास में नोट्स बनाते हैं, जैसे आप अपने घर में नोट्स बनाते हैं, आप हूबहू वो लिख डालिए उसको, सक्सेस। ट्रू सेंस में जैसे आप करते हैं, सभी लोगों ने लिख भी लिया होगा और मन से लिखा होगा, और ये एक ऐसी चीज है जो आपके दिल के बहुत करीब है, इसीलिए आप यहां पर आए भी हैं, राइट? शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज नई कर सकते हैं। जब मैंने बोर्ड पे ये वर्ड लिखा सक्सेस, तो उम्मीद थी कि मैंने इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं दिया था कि सक्सेस क्या है, सक्सेस क्यों है, XYZ। आप सभी लोगों ने अच्छा लिखा, मैं इसमें कोई उसमें आपकी कमी नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या किया, वो किसी एक डायमेंशन, जैसे किसी ने जो है वो सफलता क्या है और उसके विवेकानंद ने क्या कहा, उसके दर्शन क्या है जीवन में, उसका जो है किससे खुशी प्राप्त होती है, संघर्ष करना पड़ता है, किसी ने KFC का एग्जांपल लिया, कुछ इस तरह की बातें हुई। आपने मैंने क्या देखा कि कुछ आंसर में एक डायमेंशन या अधिक से अधिक जो है वो 2 डायमेंशन आपके पास, आपकी क्लास जो आपने आंसर लिखा है उसके साथ थे, ठीक है? मतलब 2 डायमेंशन आपने 2 हिस्सों में बात लिखा, एक ने लिखा सफलता क्या है, दूसरे ने उसकी प्रक्रिया के बारे में या उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में हमें बताया, ठीक है? इसके बारे में लगभग सबका आंसर जो है वो इसी के आसपास जो है रन कर रहा था, कुछ एक ने उसको फ्रैक्शन में तोड़ा है और उसके जो है वो सफलता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके आयाम क्या है करते हुए वो 3 डायमेंशन में एंटर कर गया।
ये जो डायमेंशंस यानी आयामों की बात कर रहा हूं, जब हम किसी एक शब्द, किसी एक थ्योरी या किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं तो हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया, चूंकि चीजों को आपको जो परसीव करने की आदत है वो बहुत लीनियर है, कैसे आप करते हैं लीनियर, यही चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है, आप चीजों को लीनियरली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपने जब जिस तरह से उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसके डायमेंशन यानी कि जब उसको डिलीवर कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, उसके साथ उसी क्रम में चलते चले जा रहे थे। और आपने एक चीज नोटिस की, आप घर जाकर आप दोबारा इसको पढ़िएगा, आप लोगों ने जो लिखा है, आप जिस वे में इसको लिख रहे हैं, यानी जो पहला आपके दिमाग में थॉट आया था, आपका पूरा आंसर उसी थॉट के ऊपर लाई कर रहा था। दोबारा पढ़ के देखिएगा अपने आंसर को कि आपने जो पहला थॉट पिक किया, ठीक है, जैसे किसी ने उसकी परिभाषा उठा ली, किसी ने जीवन के अपने जो सफलता आपको किस लिए आप यहां आए हैं क्लास में, और आपने देखा होगा आपका पूरा पूरा आंसर उसी एक थॉट की पेरिफेरी पर रन कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आज के समय में यूपीएससी की, वो ये होता है कि आपको हर पैराग्राफ के साथ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना आना चाहिए। और आप क्या हुए, आप जिस लीनियर मेथड में आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिस लीनियर मेथड में आप आंसर राइटिंग करते हैं, आपका पूरा जो दिमाग था वो उसी थॉट के स्टक हो गया था। और आप पूरे टाइम, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको 10 मिनट देता तो भी आपको और ज्यादा इसका आंसर आपको समझ में आता कि 10 मिनट बाद आप कुछ और नहीं कर रहे होते, जो अपना पहला थॉट था उसी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कर रहे हैं अपना आंसर लाउडली, चाहो तो क्लास में पढ़ के मुझे बता दो, मैं तुम्हें अभी तुम खुद दूसरा सुन के बता देगा कि पूरे टाइम उसी एक बात को कहा गया है। और इसकी वजह से आप एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एसे नहीं लिख रहे हो यहां पर, आप क्या लिख रहे हो, आप एक आंसर राइटिंग कर रहे हो। और आंसर राइटिंग में आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, चीजों के बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना पड़ेगा और एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि मेरे, आपने जो मुझे शब्द सीमा दी है 150 शब्दों की, उन शब्दों में मैं इसके बहुआयामी दृष्टिकोण को आपके सामने रख सकता हूं और मुझे ये पता है कि इन चीजों का संबंध किसके किसके साथ है। लेकिन अगर आपने इस आदत को अभी यहां नहीं छोड़ा तो आप चाहें तो आप एक काम करिएगा, अपनी कॉपियों को सफल करके देख लीजिएगा, एक दूसरे को देखकर देखिएगा, बोलिएगा बताइए भैया बताओ मैंने कैसा लिखा, और अगर मेरी इस बात को जस्टिफाई ना कर दिया तो कह दीजिएगा आपका जो पहला लाइन है, जो आपका पहला थॉट है, आपने पूरे टाइम उसी को किया है। कुछ लोगों ने इसी को आगे चलकर कोट्स अच्छे लिख दिए हैं, विवेकानंद का कोट लिखा है, किसी का कोट लिखा हुआ है, और आपने पूरे टाइम इसको जस्टिफाई किया और आपको यह लग रहा है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, लेकिन आप जो है वो एक फ्रेम में फंस चुके हैं, ठीक है। यही, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर थिंकिंग। यहां पर आपके पास जो होता है वो अप्रोच नहीं होता है कि आप तत्काल जो अपने दिमाग को अदर डायमेंशंस की तरफ लेकर जाएं। जैसे सपोज दैट मैं शुरू करता हूं इस बात को और थोड़ा सा अपने ब्रेक, अपने जो मेंटल प्रोसेस है, अपने जो थॉट प्रोसेस को ब्रेक कर देता हूं। चलिए शुरू करें, मेरे पास भी उतना ही टाइम है, चलिए हम देखते हैं कि इसको और हम क्या कर सकते हैं। जो पहला हमारा सीखने का सिस्टम होता है वो होता है क्वेश्चंस को पूछना और जो आपकी सूचनाएं होती हैं उनको संग्रह करना और उन्हें अरेंज करना। अगर मैं यहां सक्सेस बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सक्सेस क्या है मेरे लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकती है किसी चीज को। सवाल है कि सक्सेस के मेरे आयाम डायमेंशंस क्या होंगे। एक मेरी व्यक्तिगत सक्सेस भी तो होती है, पर्सनल सक्सेस, और दूसरी मेरी प्रोफेशनल, यानी कि जो मैं जिस काम में हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप संसार के सबसे सक्सेसफुल आदमी हो। अगर आप एक अच्छे इंसान भी हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और दूसरों के प्रति जो दया और ममता आपके अंदर है तो भी आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप डिसिप्लिन्ड हो, आप कोई भी अहिंसा, चोरी, डकैती ये नहीं करते हो तो आप भी बहुत अच्छे इंसान हो। तो मेरा दूसरा आयाम हुआ सफलता का, कि सफलता के आयाम कितने रहे मेरे पास, व्यक्तिगत और जो है प्रोफेशनल तौर पर। तीसरा, सफलता क्या रातों रात हासिल की जाने वाली चीज है। मैंने कुछ भी इसमें नहीं कहा था कि सफलता के किस डायमेंशन में आपकी बात लिखनी है। आपके सामने मैंने ओपन एक वर्ड डाल दिया था, यही ओपन वर्ड आपको एसे में, आंसर राइटिंग में मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल है कि सफलता जो है वो कहीं किसी दीवार पर रखी हुई तस्वीर तो है नहीं या कोई सामान बिकना है नहीं। सफलता एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरती है। इन प्रक्रियाओं को क्या है, इस प्रक्रिया को किसे कहते हैं, ठीक है। सफलता के जो है वो क्या मानक होंगे, आप सफल किसको कहोगे। आप जो है वो आपने ब्लैक मनी कमा के खूब ढेर सारा रख लिया, आर यू सक्सेसफुल पीपल। सफलता के आपके मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, आपके प्रक्रिया यानी प्रोसेस आपके क्या हैं, आयाम यानी डायमेंशंस आपके क्या हैं, राइट। सफलता को आप महसूस कैसे करते हैं, हाउ डू यू फील सक्सेस। सक्सेस का क्या मेजरमेंट है, आप फील करते हो ना सक्सेस को, आई एम सक्सेसफुल। जैसे अगर आज आपने छोटा सा एक सक्सेस, आपके लिए सक्सेस हो सकता है कि आज जो 8 घंटे में मुझे जो है मैंने इतना तय किया था कि आज मुझे ये चीज पढ़ लेनी है, या आज मुझे जो टेस्ट हुआ है उसमें मुझे टॉप करना है, तो ये क्या होगा, आपके लिए सक्सेस है। हो सकता है आज के दिन में कोई ऐसा भी पर्सन हो जिसको 10 करोड़ रुपए की डील करनी हो, अगर वो डील क्रैक कर गया तो ये उसके लिए क्या है, सक्सेस है। अगर आपकी मदर ने ये सोचा कि आज जो है आम का अचार जो है शाम तक बन जाना चाहिए, ये उनके लिए क्या है,
सक्सेस है। किसी की बेटी की शादी है और उसने जो है संपन्न अपने दरवाजे से सकुशल जो है वो बारात को विदा कर दिया, ये उसके लिए क्या है? सक्सेस है। और इस सक्सेस को कोई मेजर किलो या दो किलो में नहीं मेजर कर सकता है। आज मेरे पास एक किलो सक्सेस है या दो किलोमीटर सक्सेस है, आज ये क्या है, ये महसूस करने वाली चीज है। सो हाउ विल यू फील दैट, इस सक्सेस को फील कैसे करोगे? और जब सक्सेस ना हो तो एक अवसाद की स्थिति पैदा होती है कि सक्सेस के ना होने पर मेरी फीलिंग कैसी होगी, या जो है मैं असफलता को कैसे जो है, जब अगर सक्सेस है तो क्या होगा, असफलता भी होगा, तो असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने की मेरी प्रोसेस क्या होगी? क्योंकि सफलता आप क्यों डिमांड कर रहे हो, आपको सफल क्यों होना है? क्योंकि आज आप सफल होने की स्थिति में नहीं हो ना, तभी तो। अगर आज आईएएस ऑफिसर हो तो इस क्लास में तुम बैठ के क्या करोगे? तुम बनना चाहते हो, तुम लाइफ में जो है कुछ तुमने डिटर्मिनेशन किया है, तो आज वो जो चीज नहीं पा पाए हो वो यहां पर जा रहे हो, ठीक है। आप इस तरह के जाने कितने बेसिक फ्रेम कर सकते हो, अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। चलिए हम शुरू करते हैं। सफलता क्या है, ठीक है, जो भी है आप उसके कंक्रीट क्यों लिखो। पैसा कमाना मेरे लिए सफलता है, एग्जाम निकालना मेरे लिए सफलता है, एक अच्छा इंसान मेरे लिए बनना सफलता है, हो सकता है, बिल्कुल अ गुड पर्सन, ये मेरी परिभाषा हो सकती है। या जो मेरा इच्छित लक्ष्य है, जो भी मैं इच्छित लक्ष्य बना रहा हूं उसको अगर मैं पा जाऊंगा तो ये मेरे लिए सफलता है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, आज आप जाकर किसी योग गुरु से पूछिए, बोला कि मेरा शरीर जो है वो क्या रहे, अटमोस्ट है, तो ये मेरे लिए सफलता है। अब व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलताओं में यहां पर फिर से आप उसकी कैटेगरी कर सकते हो कि भाई मैं प्रोफेशनल सफलताओं में आज का दिन बहुत अच्छा कर जाऊं, मैं जिस ऑफिस में हूं वहां पे बहुत अच्छा काम करूं, मुझे टाइमली प्रमोशन मिले, या प्रोफेशनल तौर पे मैं जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस अपने आप को क्या कर सकूं, बना सकूं, या आईपीएस बना सकूं, ये मेरे लिए प्रोफेशनल सफलता है। व्यक्तिगत सफलता, मैं एक अच्छा पुत्र या पुत्री इस रूप में जाना जाऊं, राइट, मैं एक अच्छा जो है वो एक समाज का जो है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जाना जाऊं, मैं टैक्स प्रॉपरली भरूं, मैं गंदगी ना फैलाऊं, जो मेरे कर्तव्य है मैं उनको मैं क्या करूं, पूरा करूं। आप ये देख रहे होंगे कि आपके डायमेंशंस क्या होते चले जा रहे हैं, एक्सप्रेस होते चले जा रहे हैं। सफलता के मानक कैसे होंगे, आप मानक के रूप में कैसे देखोगे, जब आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व महसूस करें, जब आपका जो फैमिली है वो आपके ऊपर गर्व महसूस करे, जब समाज आपके ऊपर गर्व महसूस करे, और सबसे बड़ी बात, आपने जो कुछ भी हासिल किया आप स्वयं उसके लिए क्या करें, एक जो है आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो, ठीक है। और सफलता आपके लिए एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के बाद ये जर्नी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसके बाद मेरे नए मानक तैयार होने चाहिए, और यहां पर जो सबसे बड़ी बात ये यहां पर आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सफलता कौन हासिल करने के लिए जाता है, जिसको जो है वो बैठा हुआ है और आराम से सो रहा है उसके लिए सफलता का कोई माने है नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। लक्ष्य कैसे होने चाहिए, लक्ष्य जो होते हैं ऊंचे, और अब किसी का लक्ष्य है कि नहीं चार घरों में आज डकैती पड़नी चाहिए, ये भी लक्ष्य है, बट ये क्या होने चाहिए, उच्चतम ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए, सुचिता के साथ होने चाहिए, यानी अटमोस्ट जो होती है इसमें प्योरिटी होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए कि भाई मुझे एक बेहतरीन जिम्मेदार ऑफिसर बनना है, इस देश के लिए अपने समाज के लिए कुछ करना है। दूसरा, लक्ष्य के साथ प्रक्रिया के साथ ये आ गया कि प्रक्रिया में इसको कैसे प्राप्त करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, आईएएस बनने के लिए जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड बॉडी को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। माइंड बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब दो घंटा कुर्सी पर बैठा नहीं जा रहा, आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो ये हालत है, चार घंटे जो है वो अगर नींद जो है 10 घंटे से कम हो जाती है, और जब तक चावल यहां तक जो है दाल चावल नहीं पहुंच जाता तब तक आनंद ही नहीं आता, पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, उसके बाद भी जो है वो आईएएस ऑफिसर बनना है। 10 घंटे से नींद कम नहीं ले सकते, हफ्ते में एक भी पिक्चर छूटनी नहीं चाहिए, क्या सलमान क्या शाहरुख, ठीक है, सब तुम्हारे ही भक्त हैं, तुम्हारे दम पर उनकी बॉक्स ऑफिस हिट हो रही है, ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें जो है वो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत गड़बड़ चीजें चल रही हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी यहां पर आपको क्या चाहिए, समर्पण चाहिए, आप इन सारी प्रक्रियाओं को। इसके बाद आपको एक जो है गुरु या टीचर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको सही और गलत के साथ जा सके। उसके बाद आपको स्वाध्याय के साथ जाना पड़ेगा, यानी सेल्फ स्टडी, इसको आपको जो है एटमोस्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, और अपने विषय को लेकर चिंतन और मनन करना पड़ेगा, राइट। इसी प्रकार हम और अगर जाते हैं कि सफलता को आप महसूस कैसे करेंगे, बहुत मुझे जो है इस पे अच्छा लगेगा, या मेरे कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है बोला आईएएस बनने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे देश का सबसे बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बनना है जिसको जो है वो प्रधानमंत्री अवार्ड दे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये मात्र एक सफर यानी कि एक जर्नी होगी, ठीक है, कि वो क्या करेगा, तत्काल ही अपने और बड़े लक्ष्य बना लेगा कि भाई अब मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचना है, ठीक है, तो और बड़े लक्ष्य बना लेगा। इसके बाद उसका लक्ष्य बदल जाएगा कि भैया मैं जिस जिले में रहूंगा वहां बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा, और उसमें भी वो अपने गोल तय कर लेते हैं कि भाई मैं जो है महिला शिक्षा के लिए काम करूंगा, मैं बाल श्रम को हटाने के लिए काम करूंगा, तो वो अपने ऊंचे और महान लक्ष्य बना लेते हैं, और फिर उनके साथ वो क्या हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। या मैं कुछ ऐसे जो है नए तरीके ढूंढ के लेकर आऊंगा ताकि किसानों की आत्महत्या बंद हो जाए, या उनको जो है वो लाभ मिलना शुरू हो जाए।
तो इस प्रकार जो है वो आप क्या करते हो, आगे चले जाते हो। अगर मुझे सफलता पहली बार में नहीं मिली तो क्या करूंगा, मैं टूट जाऊंगा या फंदा जो है लगा कर लटक जाऊंगा? नहीं, मैं अपनी असफलताओं का क्या करूंगा, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संसार में कोई ऐसा महान व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसको असफलता का मुंह ना देखना पड़े। तो फेल भी जो है, जो वर्ड ही FAIL बनाया गया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, ठीक है। फेल होने का मतलब ही होता है कि आपके सीखने की प्रक्रिया का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है। तो अगर मुझे असफलता मिली तो मैं इसको सफलता में कैसे कन्वर्ट करूंगा, अनवरत प्रयास से करूंगा, अपने आप को हाईली मोटिवेट करके रखूंगा और उन कारणों की जांच करूंगा जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये सभी सफलताओं के पहलू हैं, आप इसमें और चाहे जितने जो है वो आप अंदर ला सकते हो। अब ये बताओ कि इतने डायमेंशन कितने अपने आंसर में डाले, ये डायमेंशन मैक्सिमम कितने अपने जो है वो आयामों में आप लोगों ने डाले। मैं इसको जितना चाहे उतना स्प्रेड कर सकता हूं, पूरा बोर्ड भर सकता हूं इसको, राइट। और आप लोग देखिए आपके आंसर में मैक्सिमम एक या दो डायमेंशन हैं, एक या दो डायमेंशन। और सबसे बड़ी जो ट्रैप है आपके सामने कि जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है आपका पूरा आंसर उसी के चक्कर में फंस के रह जाता है, और यही सबसे जो है दुष्कर प्रक्रिया है। आपको पैराग्राफ बदलने के साथ अपना जो डायमेंशन है वो चेंज करना पड़ता है। यूपीएससी में 150 शब्द आपको मिले हुए हैं, 200 शब्द आपको मिले हुए हैं, और इन 150-200 के अंदर आपको मल्टीपल अप्रोच उसके सामने ले आकर रखना है। अगर आप किसी भी चीज के, चाहे भूगोल के बारे में बात हो रही, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, इसके सभी पहलुओं के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताना है। अगर आपका कंपटीटर 5 आयाम देगा और आप 4 आयाम देकर चले आए हैं, तो उसको जो है आपसे भले चाहे एक ही मार्क ज्यादा मिले वो मिलेगा। कहोगे एक मार्क से क्या फर्क पड़ता है, अगर आपने और उन दोनों ने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 15 का अंतर आता है, और 7 पेपर को 15 से गुणा करके देख लो तो कितने का अंतर आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है आधे नंबर या एक नंबरों से, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, राइट। तो ये आपको समझ में आया, जो आपने किया और जो मैंने किया इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मैं इसको जितना चाहे उतना स्प्रेड कर सकता हूं, आप इसको जितनी थिंकिंग करोगे ये अपने आप निकलता चलाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, यानी बहुआयामी समझ या सोच, राइट। यहां पर जो आज मैं अब क्लास शुरू करने जा रहा हूं कि हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं और क्लास को कैसे हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, क्लास में से अपनी चीजों को कैसे निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बुक कैसे पढ़ना है, वो इस प्रक्रिया के द्वारा। दोनों के बीच का अंतर पता चला? और यकर आप इसको जो है वो ट्राई करके देखिए, आपका दिमाग जो है वो अपने आप ही थॉट प्रोसेस निकालना शुरू कर देगा। क्या इन चीजों को पढ़ने के लिए मुझे कोई यूनिवर्सिटी की किताब की आवश्यकता थी? कोई है ऐसी जानकारी जो मुझे एक्स्ट्रा लानी पड़ी थी? ये सब कुछ हमारे जीवन में ही था, बट सवाल ये था कि जो हमारे जीवन में, जो हमारे दिमाग में था, उसको हम लोग कॉपी में कैसे निकाल कर ले आ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की आपके पास कमी नहीं है, पर्याप्त है आज के समय में, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर दिमाग से निकालना नहीं सीखोगे तब तक ये सारी प्रोसेस जो होगी वो क्या रहेगी, अधूरी रहेगी। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वो लीनियर वे में चीजों को सीखते हैं, और अभी बताऊंगा कैसे वो सीखते हैं, और उसकी वजह से जब हमारा दिमाग जो है लीनियरली उसको एक्सेप्ट करता है, उसी तरह जब हम उसको प्रोसेस मांगते हैं कि अब चलो भाई रिकॉल करने की प्रक्रिया शुरू करो और वापस निकाल के लाओ, तो क्या होता है हमारा दिमाग उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, और आप अंत में क्या होता है दोष देते हुए नजर आते हैं कि सर हमसे ये पता नहीं क्यों हमें मार्क्स नहीं मिले। और ये जो आप कॉपियां दे रहे हैं या जितनी भी कॉपियां मैं और भी बच्चों की चेक करता हूं, सेम वही कहानी है, जो पहला थॉट है उसी को वो जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि सर मैंने इसमें तो सब कुछ डाल दिया। अरे आप यूपीएससी का क्वेश्चन जो है उठाकर देखिए, उसमें एक क्वेश्चन में 2 से 3 डायमेंशन छुपे होते हैं, वो 2 अलग अलग आयामों को मिलाते हैं और वो क्वेश्चन बना देते हैं। यानी वो आपसे उम्मीद ही कर रहे हैं कि इस पे आपको बहुआयामी दृष्टिकोण रखना है। आज के समय में यूपीएससी में, मैंने पहले भी कहा था, चैप्टर्स नहीं होते, ना यहाँ कुछ इकोनॉमिक्स है, ना यहाँ कोई ज्योग्राफी है, और ना यहाँ कोई पॉलिटी है। ये सोशियो इकोनॉमी है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। हर आयाम, हर टॉपिक के कई आयाम होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर एस्पिरेंट के अंदर जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्विच करने की क्षमता नहीं रही और एक आंसर में वो बहुआयामी चीजों को लेकर नहीं आ पाया, तो उसके लिए बहुत दिक्कतें होने जा रही हैं, ठीक है। तो आज से जो आपको शुरू करना है वो इस प्रक्रिया के साथ आना है। और मैं पहले ही एक बात सावधान कर दूं, ये प्रक्रिया केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे साथ इसको करना चाहेंगे। ये कोई ऐसा नोट्स नहीं है जिसको आप रट के जो है वो अगले दिन सीख जाओगे। जितना ज्यादा इसको करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी इफिशियंसी बढ़ती चली जाएगी, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं। अगले बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी प्रोसेस और मेरी प्रोसेस के बीच में अंतर क्या है। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को, राइट, जो आपका एस्पिरेंट है वो चाहे कहीं पर भी कोई एग्जाम दे रहा हो, उसके दिमाग को 5 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यानी उसका दिमाग जो होता है वो 5 काम जो है वो अगर करता है तो उसके लिए सफलता मिलना जो है उसके लिए बहुत आसान होता है।
राइट हमें पांच काम करने होते हैं एक जब आप लर्नर जब आप पहली क्लास में आए हैं तब से लेकर आखिरी समय तक आपको पांच प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और अपने दिमाग को पांच हिस्सों में ट्रेन करना पड़ता है। पहला हमारा हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को ग्रहण करना। अगर आप इन पांच विधाओं में अपने दिमाग को ट्रेन कर ले जाते हैं तो आपके लिए हर क्लास हर किताब हर नोट्स एक ऑप्टिमम जो है वो सोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं खींचने की हालत में पहुंच जाओगे अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लोगे। तो पहला आपका स्टेप होता है सूचनाओं को ग्रहण करना यानी रिसीविंग द इंफॉर्मेशन यानी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। राइट ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है सूचनाओं को थामना। यहीं पर आप जो है गड़बड़ करना सूचनाओं को तो आप ग्रहण कर ले जाते हैं अभी बताऊंगा ये भी नहीं कर पाते हैं ठीक है। और अभी कैसे पता चलेगा जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं या जो कल जो हुआ है उसके बाद जो है आपको यही समझ में आ जाएगा कि सूचनाओं को ग्रहण करने का तरीका किस प्रकार अलग हो सकता है। दूसरा सूचनाओं को थामना सेकेंड स्टेप। यानी होल्डिंग द इंफॉर्मेशन राइट होल्डिंग द होल्डिंग इंफॉर्मेशन। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर आने के बाद आप वाकई में अब जो प्री का क्वेश्चन आया है अब जो मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप जो है वो जस्टिफाई कर पाओगे और वो होगा विश्लेषण करने की क्षमता लाना। इसके बिना यूपीएससी एस्पिरेंट कहीं भी टिक नहीं सकता। विश्लेषण करना यानी एनालिसिस राइट तीसरी प्रक्रिया जो होती है ये होती है। और चौथी प्रक्रिया जिसमें आप लगातार जो है वो चैलेंज खा रहे हैं राइट और वो होता है निष्पादन या आउटपुट आउटपुट देना। आउटपुट आपने जो पढ़ा जो समझा जिस चीज को एनालाइज किया उसको आपकी कॉपी में निकल आ रहा चाहिए। आप कितने खूबसूरत हैं कितने अमीर घर से आए हैं आपके अंदर कितना टैलेंट है ये यूपीएससी एग्जाम नहीं जानता ना आपका नाम जाएगा ना आपके पिता का नाम जाएगा। आपकी कॉपी क्या बोल रही है 1750 मार्क्स केवल इसी बात पर टिके। और ये जो याद रखिएगा जो मेंस जिसने होल्ड करके रख लिया जिसके पास मेंस की कैपेसिटी है इंटरव्यू में वो जितने भी फ्लक्चुएशंस उसको झेल ले जाएगा। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं कई ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने मेंस के दम पर अपनी जो है रैंक निकाली है इंटरव्यू में उनको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए फिर भी अपने जो मेंस के मार्क्स थे अपने ऑप्शनल के मार्क्स थे एसए के मार्क्स थे उसको इतने ज्यादा थे टोटल जब मार्क्स जोड़े गए तो उनकी रैंक क्या हो गई बन गई। तो इसकी वजह से मेंस जो होता है वो आपकी पूरी लाइफ का मतलब यूपीएससी की जो आपकी एंट्रेंस है उसका सबसे कोर पार्ट है हृदय है क्योंकि आप नहीं जानते कि इंटरव्यू में वो दिन आपका है या नहीं है वो क्वेश्चन आपका है या नहीं है आप कतई नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने जो है वो सही तरीके से मेंस को अगर आपने सही तरीके से जो है वो शीशे में उतार लिया तो आपकी रैंकिंग आनी तय है ये बात आप समझ जाइएगा। और ये जो आपका मेंस होता है ये आपके निष्पादन पर तय है लेकिन निष्पादन के कई आयाम होते हैं इसको हम लोग आउटपुट। इसका मतलब है कि इन तीनों प्रक्रियाओं में आपने जो सीखा उस चौथी प्रक्रिया में आपने डिलीवर किया या नहीं। कल क्लास में जब मैंने क्वेश्चन दिया था कॉन्सेप्टर में कई बच्चों ने एक कॉमन बात कही थी कि सर समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करें बोला था क्यों इतनी 2 घंटे में उस चीज को पढ़ाता रहा समझाता रहा उसकी डायमेंशन बताता रहा। और जब मैंने आपसे कहा कि बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन इसका जो है आंसर मुझे दे दो तो आपने क्या कहा कि सर समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करें। ये सबके साथ होता होगा ये दिक्कत आती होगी। सिंपल सी बात है कि जो आपने रिसीव किया है उसको आपने प्रॉपरली अरेंज नहीं किया है दैट्स वाई आपका जो आउटपुट है वो क्या है निष्पादन दिक्कत ठीक है। तो आपको इस पूरी प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा। और जो आपका 5वां पॉइंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट और वो होता है कंट्रोलिंग द माइंड एंड बॉडी कंट्रोलिंग द माइंड एंड बॉडी यानी कि मन जो आपका दिमाग है और शरीर इसको हम लोग अगर बोलें आंतरिक परिस्थितियां इन पर नियंत्रण। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसको नींद ना आती हो जिसको थकान ना महसूस होती हो जो 1 घंटे बाद जो है थक ना जाए। बट सवाल यह है कि आप अपना माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा करते हैं शरीर के साथ जिसपे आपको क्या कर सके जब आपको थकान हो तो उसके बाद भी जो है वो क्या कर सके अपने आप को आगे लेकर जा सके। तुम लोगों ने एक चीज तो सुनी पड़ी होगी कि जो IITians है वो आजकल IAS में भी बड़ी अच्छी रैंक निकाल रहे हैं जो बड़े टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से निकल कर आ रहे हैं।
तुम जानते हो कि इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में होता क्या है, यहां पर यह नहीं कि उनका दिमाग जो है बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है, इस तरह नहीं होता है। एक्चुअली जब आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहां पर जो बच्चे हैं, जैसे वहां पर जो सेगमेंट्स हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको बहुत प्रेशर में रखा जाता है। उनके जो 4 साल होते हैं इंजीनियरिंग के या मेडिकल के होते हैं, बहुत प्रेशर के साथ होता है। जहां पर आप टूट जाओगे वहीं पर उनको काम करना शुरू करना पड़ता है। वो रात रात भर जो है लैब में काम करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे सोकर फिर उन्हें क्लास में पहुंचना पड़ता है। जब हैक्टिक शेड्यूल आता है, जब उनके असाइनमेंट्स, उनका वाइवा, ये सारी चीजें आती हैं, तो इतना इनको जो है वो प्रिपेयर कर दिया जाता है उसके साथ कि वो लंबे समय तक 48-48 घंटे बिना सोए जो है वो काम कर सकते हैं, अपने बॉडी माइंड को एक्टिव रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस प्रोसेस में डाल दूं तो क्या होता है, आप जो है वो तुरंत आपके हाथ पांव सूख जाएंगे। जैसे ही आपको जो है एक दिन नींद ना मिली, अगले दिन जो है वो क्लास में आप आंखें आपकी मचक रही होंगी, जमाई आ रही होगी, शरीर टूट रहा होगा। तो यहां पर जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये कोई बहुत आश्चर्य वाली चीज नहीं है। ज्यादा मेहनत करने से आज तक कोई नहीं मरा, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने से आज तक कोई नहीं मरा। अगर आपका जो अगली प्रक्रिया है, अगर आप अपने बॉडी माइंड को कोऑर्डिनेट करना सीख गए, रोकना सीख गए, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये वो चीज होती है, ये 5वें नंबर पर मैंने इसलिए रखा है, ये वो चीज है जहां पर अगर स्टूडेंट इसको सीख जाता है वो एज क्रिएट कर ले जाता है, यानी लास्ट में उसके पास उसका कॉम्पिटिटर के नाम पर उसके पास कोई नहीं बचता है, ठीक है। और यही वो डिफरेंस होता है, जहां पर मैंने अभी देखा जैसे पीटी के एग्जाम से पहले कई बच्चों के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए कि नहीं लग रहा है इस बार जो हमें एग्जाम नहीं देना है, पूरे मजे से तैयारी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ वो क्या हुआ, गिव अप करके भाग गए। तो यहां पर ही आपको एज क्रिएट करना है, अगर इस स्टेप को आप लेकर जाते हैं जहां आपको अपने शरीर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर इतना कंट्रोल हो जाए कि नहीं भाई आज मुझे जो है वो 10 घंटे लगातार पढ़ना है, मुझे भटकना नहीं है, उस दिन ये लड़ाई इससे आसान, मैं बार बार कहता हूं एग्जाम नहीं है। ये 5वां चरण है। लेकिन इन चरणों से पहुंचने के बाद, अब मैं इन चरणों के बारे में बात करता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, इन चरणों के बारे में बात करता हूं। हाउ कैन वी रिसीव द इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, स्वाद, गंध, जो स्पर्श, इन सभी के माध्यम से सुनना और देखना, ये सभी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं इसके माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। स्टूडेंट के लिए 2 मेजर बात होती है, एक होता है सुनना, लिसनिंग, और होता है दूसरा देखना। ये 2 जो होती हैं वो प्राइमरी किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की जो है सेगमेंट होता है, और यही हमारा सबसे ज्यादा फॉल्टी होता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, पैसिव स्टडीज जो बच्चे करते हैं जिनका सेगमेंट होता है, यानी सुनना लिसनिंग और देखना यानी कि सीइंग, ठीक है, तो ये जो दोनों सेगमेंट होते हैं ये किस तरह काम करते हैं, चलिए देखते हैं। हम, मैंने पहले बताया था, अगर हम ऑप्टिमली किसी चीज को केवल सुन रहे हैं तो हम उसका 11% रिसीव कर पाते हैं, और अगर हम देख रहे हैं तो हम उसका जो है लगभग 83% हम रिसीव कर पा रहे हैं। कोई मूवी देखकर आते हैं तो हमें क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन अब जरा यहां देखो, देखने का एक दूसरा सिस्टम भी होता है। जब आप अपने कानों और आंखों की बजाय अपने दिमाग से देख और सुन सकते हैं, हमारा दिमाग भी जो है वो देखने की सुनने की प्रक्रिया को क्या कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। जैसे अगर आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे आंख बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन उनकी आंखें जो है पीपल्स, उनके जो पतलियां होती मुझे पकड़ में आ जाता है, वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। जब आप नींद में होते हैं और आपका दिमाग जो है वो कहीं और घूम रहा होता है तो आपकी जो पुतलियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिकुड़ती और फैलती हैं। तो कई बार मैं जानबूझकर उन लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्या कि वापस आ जाओ क्लास में, दिमाग तुम्हारा यहां नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है, आप क्लास में तो हो लेकिन आउटपुट आप नहीं देख पा रहे हो। तुम लोगों ने एक नोटिस किया होगा, जब तुम लोग आते हो मेरे से मिलने अपनी कोई बात कहने, तो तुमने देखा होगा मैं आंख बंद करके और सर नीचे झुकाकर कान आपकी तरफ करके सुनता हूं, नोटिस किया है, क्योंकि आप जाएंगे दूसरा आएगा, हर जो है 5-5 मिनट में समस्याएं चेंज होती है। तुमने नोटिस किया होगा कि मैं आंख बंद कर लेता हूं और जो कान आपकी तरफ करके, हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं आप, जो आप मुझे बताते हो 20-25 मिनट में लोग अपनी समस्याएं कहते हैं, तो मैं उसको सुनता जाता हूं और उसको वो तुरंत मेरे को रिसाइट होता चला जाता है। क्योंकि तीसरा जो आपका सेगमेंट होता है, इन दोनों की बजाय, यानी कि जो कान और आंख की बजाय अगर आप दिमाग से देखना और सुनना शुरू कर दें, तो आपकी ऑप्टिमम क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। जैसे सपोज दैट टीचर यहां क्लास में कुछ भी कह रहा है, मान लो प्रीएम्बल पढ़ाया जा रहा है या जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, तो एक तरीका हुआ कि आप जो है वो क्लास में ऐसे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते सुनते आपको मैंने देखा है 15 मिनट बाद जमाई आनी शुरू हो जाती है, बढ़िया मस्त जो है वो अंगड़ाई सी आती है, उसके बाद तो फिर कहां इकोनॉमिक्स और कहां पॉलिटी, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है उस जो भी चीज आपको टीचर आपको पढ़ा रहा है उसमें भले चाहे आपकी आंखें बंद ही क्यों ना हो, लेकिन आप जो भी चीज आपके कानों में पड़ रही है उसको आप विजुलाइज करते चले जाओ, उसको क्या करो अपने दिमाग के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करो। आंखें बंद हैं लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, आप जो भी चीज कही जा रही है, जैसे सपोज दैट सर जो अगर कोई भी चीज पढ़ा रहे, मान लो प्रीएम्बल का निर्माण कैसे हुआ, तो आप ये प्रक्रिया में आइए कि अगर मैं वहां होता तो इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखता, ठीक है, या अगर मैं उस संविधान सभा में होता तो मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सर बता रहे हैं कि भाई अंबेडकर साहब ने ये किया, नेहरू साहब ने ये किया, तो इन लोगों ने अपना अपना जो है वो बात रखी। अब उस प्रक्रिया को विजुलाइज करना शुरू कर दो, इसको बोलते हैं सीइंग बाय माइंड, यानी मस्तिष्क से देखना, और ये जो होता है वो सीखने की
पहली प्रक्रिया होती है, फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, सीइंग बाय माइंड, सीइंग एंड लिसनिंग बाय माइंड, यानी दिमाग से देखना और सुनना, राइट right? यहां पर आप क्या करते हैं, आप कानों और आंखों से देखते और सुनते हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, भले चाहे आपकी आंखें बंद हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो उसमें क्या होगा, आप उसको अपने दिमाग में इनपुट डालना शुरू कर दो। अगर टीचर कुछ भी समझा रहा है तो तुरंत आप आंखें बंद करिए। जैसे सपोज दैट कल कॉन्सेप्ट में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जो है वो अवसंरचनाएं किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके जो है एंड पॉइंट निष्पादन के बारे में बात किया। आपको तुरंत जो है वो आंख बंद करनी चाहिए थी, क्योंकि आप उस समय कुछ लिख नहीं रहे हैं सपोज दैट, तो आपको क्या करना चाहिए था, उस चीज को अपने दिमाग में विजुलाइज करना चाहिए। और विजुलाइजेशन में जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैंने आप लोगों को स्कूल का एग्जांपल दिया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का एग्जांपल दिया, तो वो जो पिक्चर्स आपके सामने थी, एक हॉस्पिटल, एक टूटा फूटा स्कूल या कुछ भी है, आपको तुरंत वो पिक्चर्स क्या करनी चाहिए थी, अपने दिमाग में अरेंज करते हुए लेकर जानी चाहिए थी, और अपने जो भी टीचर कहता चला जा रहा है उसको एक स्ट्रिंग में फंसाते जाना है कि सर ने ये कहा, इसके बाद ये कहा, इसके बाद ये कहा, इसका इसके साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। ये जो होता है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने का तरीका होता है। एक इंफॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, जैसे अभी आप कर रहे हो, जो चीज बताई जा रही है मुंह से सुनते चले जा रहे हैं, उसके बाद दिमाग कहीं और फॉरवर्ड बैकवर्ड आ रहा है, क्योंकि आपके जो है वो दो ज्ञान इंद्रियां खुली हुई है, कान और आंख। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है, ऋषि मुनि या जो जिनका कहते हैं ब्रेन, वो आंखें बंद कर लेता है, नियम होता है ना, आंखें बंद कर लेता है, बेकूफ नहीं है वो, दे हैव साइंस। इन दोनों ज्ञान इंद्रियों को खोलकर आप जो है वो कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते। ये क्या करेगा, खटाखट जो है वो तुम्हारी आंखें जो है वो पिक्चर्स लेती रहेंगी और दिमाग में जो है इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट करना शुरू कर देंगी, और ऐसी कंडीशन में आप किसी भी एक इन्फॉर्मेशन में लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। जब उस इन्फॉर्मेशन पर टिक कर प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे तो अगले स्टेप पर तुम्हारे पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या करोगे, उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे आपके किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर में सिस्टम होता है, दो तरह की मेमोरी होती है, कौन सी, रैम और रोम। शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि उसमें एक इंफॉर्मेशन आती है फ्लिप फ्लॉप और दूसरी इंफॉर्मेशन को दे दिया जाता है। तुम्हारा दिमाग भी तब यही हो जाता है। तुम क्या करते हो, इंफॉर्मेशन रिसीव तो कर रहे हो लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पा रहे। उसके बाद आप किस्मत को दोष दो, राहु केतु को दोष दो, वो बेचारे खाए तुम्हारी गाली खाने के लिए तो बने हैं वो, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हालात को दोष दो। यहां नहीं है, यहां दिक्कत है कि आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे किया, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आपकी फॉल्टी हो गई तो ये सिचुएशन पर आप नहीं पहुंच पाओगे। एंड व्हेन यू डोंट हैव द होल्डिंग द कैपेसिटी, अब क्या हुआ, टीचर ने 10 बातें बताई, सपोज दैट पॉलिटी के टीचर ने कुछ पढ़ाया, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, करंट में पढ़ाया, अब आपको अगले इन्फॉर्मेशन में क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस पावर आपके अपने दिमाग में होगी। अब आपने ये सोचा कि अगर संविधान सभा में ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता, ठीक है, उस समय हमने ऐसा कर दिया होता, ट्रिपल तलाक को हम उस समय क्यों नहीं लेकर आ पाए, जब हमने समान नागरिक संहिता को हमने उस समय एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया। अब आप क्या कर रहे हो, आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई जहां पर आप हो नहीं वहीं पर आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। भारतीय सरकार, भारत सरकार जो है वो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट क्यों बना रही थी, जबकि उसको डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल बजट की कैटेगरी पहले ही तय कर देनी चाहिए थी। हमारे यहां जो है एंड पॉइंट डिलीवरी पर फोकस क्यों नहीं किया जाता, सो यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हमारा किसान इतनी सुविधा देने के बाद या इतनी सहायता देने के बाद आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्या केवल उसको सहायता देने से ही इन समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, या वाकई में कृषि की मूल समस्या क्या है। तो कृषि की मूल समस्याओं को समझने के लिए पहले आपके पास सही ढंग से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन दिमाग में होल्ड होनी चाहिए, और होल्ड होने के बाद क्या होना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा है जैसे आपने एक मिक्सी ले लिया और मिक्सी में आपका जो इच्छित लक्ष्य है वो क्या है, लस्सी बनाना, तो लस्सी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चीनी, दही, ठीक है, जो रूह अफ़ज़ा, जो अभी आप मेवे डालना चाह रहे हो वो कम से कम आप कलेक्ट तो करोगे और तब उसको जो जाकर डालोगे। अब सपोज दैट उस मिक्सी में ये चीजें है ही नहीं है, वो चीजें है ही नहीं, और तुमने दो लोगों को इनवाइट कर लिया कि भैया आओ जा लस्सी पार्टी करते हैं, ना दही है ना चीनी उसके अंदर, दे हम लस्सी घुमाए पड़े मिक्सी, और उसके बाद क्या हो रहा है, हवा ही निकलनी है उसकी, और वही निकल जाती है तुम्हारी, वही निकल जाती है, दैट इज द ट्रुथ। इस बात को समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट से लेकर थर्ड पॉइंट तक आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है।
तो आपको इंफॉर्मेशन, अब भारत को ओबोर में जाना चाहिए कि चीन के साथ या नहीं जाना चाहिए, भारत को जो है वो अमेरिका और चीन के साथ होने वाले ट्रेड वॉर में फायदा होगा या नुकसान होगा, अमेरिका का संरक्षणवाद भारत को कहां तक फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान तो तुमने सुना होगा, भारत को फायदा कहां तक पहुंचा सकता है, इस विषय पे क्या होगा, ये एक ऐसे डायमेंशन है जिसमें उम्मीद की जाती है कि जो आपका एस्पिरेंट है वो एनालिसिस कर रहा होगा। इंडिया को कई लोग कह रहे हैं ओबोर में चले जाना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप एनालिसिस कैसे करोगे, क्वेश्चन पूछ लिया, अपना तर्क प्रस्तुत करें, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो होल्डिंग की है उसकी एनालिसिस करके आपको क्या करना पड़ेगा, निष्पादन करना है प्रॉपरली, आपके दिमाग में भी है और आप प्रॉपरली राइट नहीं कर पा रहे, काम नहीं चलेगा। सो फर्स्ट थिंग, आज से याद रखिएगा, जो आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए देखने की वो दिमाग से ज्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप में आपको सुझा रहा हूं, आपको इमेजिनेशन पावर लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी कल्पना शक्ति क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। कल्पना शक्ति मजबूत करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक स्टेप बताता हूं, आप घर में जब भी बैठिए 5-10 मिनट आपके पास आपके बिजी शेड्यूल में टाइम होगा, सिंपली कुछ भी है, जैसे सपोज दैट ये मार्कर ही है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसका सिंपल यूज कैसे करना है। मार्कर को आप एक बार बड़े ध्यान से देखिए, इसका कलर, इसके ऊपर प्रिंट, आंख बंद करिए और इस मार्कर को अपने दिमाग के अंदर विजुलाइज करिए, ठीक है, आप कंप्लीटली कोई पेन, कोई मार्कर, ये पंखा, इस कमरे में कितनी जो गोल वस्तुएं हैं, कितने जो है वो घूमती वस्तुएं हैं, इन सभी चीजों को आप शांति से बैठकर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में पिक्चर बना सकते हैं, देखिए क्या हूबहू अगर ये दिमाग में आपके पेन रोटेट हो रहा है, ये घूम रहा है थ्री डायमेंशनल में, तो क्या आप उसकी पूरी पिक्चर बना सकते हैं, क्या इसके कलर इसके देख सकते हैं, क्या इसके ऊपर जो प्रिंट है वो आपके दिमाग में प्रिंट होकर आ रहा है, आप देखिएगा कितनी मुश्किलें आती हैं आपको, आप कलर विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप ये 1-2 महीने ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो क्लास में आपका टीचर जो बोल रहा है उस वर्ड्स को जो है वो पिक्चर में कन्वर्ट करने की सुविधा आपकी आनी शुरू हो जाएगी। ये जस्ट अ प्रैक्टिस है, दिमाग एक मसल्स है, जैसे बॉडी की मसल्स होती है वैसे दिमाग की भी एक मसल्स है, इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो बढ़ा ले जाएंगे। उसके माध्यम से क्या होगा, जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, रिसेप्शन बढ़ता चला जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, आपका दिमाग सिर्फ एक फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है और वो पिक्चर्स है। अभी मैं तुमसे कहूं 7, तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया होगा, इसकी पिक्चर आई होगी, जो हिंदी माध्यम से पढ़ा होगा उसके दिमाग में ये पिक्चर आई होगी, ठीक है, और जो रोमन में पढ़ेगा उसके दिमाग में ये पिक्चर आई होगी, ठीक है, सभी अपनी जगह सही है। सवाल ये है कि आपने उसको किस फॉर्म में देखा, जिस फॉर्म में आपने देखा है उसी फॉर्म में आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में कैसे, 7 जैसे ही मैंने बोला तुरंत आपके दिमाग में वो क्लिक किया। इसीलिए जो छोटे बच्चों की किताबें होती है आपने देखा होगा, वो छोटी छोटी पतले 26 अक्षरों ABCD सिखाने के लिए कितने बड़े बड़े पिक्चर्स कलर बनाए जाते हैं, देखा है, क्या जरूरत है, ABCD 2 पन्ने में आ जाए लिख के, 26 अक्षर पढ़ा दो, लेकिन एक पेज पर एक लिखा होता है, ए ए मतलब बड़ा सा क्या होता है, एप्पल बना होता है, क्यों, क्योंकि वो विजुलाइज करके क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा, ये साइंटिफिक है चीज है, राइट, तो यहां पर क्या होगा, विजुलाइजेशन का ये महत्व होता है। बच्चों की तुमने किताबें देखी होंगी, बहुत पिक्चोरियल होती है, बहुत पिक्चर्स उसमें रखे जाते हैं, ये उसका जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, एक बार उसके दिमाग में सेट हो गया कि एप्पल ऐसा होता है तो वो क्या करेगा, उस चीज को जैसे दोबारा एप्पल बोला जाएगा उसके दिमाग में क्या आ जाएगी, वो पिक्चर आ जाएगी। सो अगर तुम्हें अपनी क्लास को ऑप्टिमली अगर लेकर जाना है, अगर ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में सीखना है और इन्फॉर्मेशन को अपने एक ही साथ गैदर करना है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और अपने जो अभी सुनने और देखने की आपकी प्रक्रिया है, जो आंखें खोलकर और कान से जो है सुनते हो, साथ ही साथ अपने टीचर के क्या करना पड़ेगा, उसको दिमाग में डालना पड़ेगा, और आपकी चॉइस, आप करिए या ना करिए, बताना मेरा काम है, जो करेगा उसके पास एज होगा, जो नहीं कर पाएगा वो बाहर होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम बहुत क्रूअल है, वो ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना जाति ना धर्म, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन मेरे लिए ऑप्टिमल है, अंदर आ जाओ, चाहे आप सबल हो चाहे दिव्यांग हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप चाहे जितने बाहुबली हो बाहर, अगर उसका जो है क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो तुम बाहर, तुम रोते रहोगे मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे पिताजी ने कर्जा लेकर पढ़ाया, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बहुत ही क्रूअल और बहुत क्रूर इम्तहान है ये, ठीक है, यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम चलता है, उसके लिए अपने आपको ऑप्टिमली तैयार करो। सेकेंड आपका होता है इन्फॉर्मेशन को थामना, यानी उसको दोहराने की प्रक्रिया लेकर आना, उसको दोहराना, उसको रिसाइट करना, और उसको सबसे बड़ी बात है लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना, यानी दीर्घकालिक जो आपकी याददाश्त है उसमें लेकर जाना, ठीक है, क्योंकि इसके अब हमारे दिमाग में, आप चाहे जितने भी जो है वो दूध बादाम खाते हो, याद रखिएगा 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स हम किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाते हैं,
ये हमारे दिमाग की जो है वो एक खासियत होती है। आप कितना भी जो है मन लगा के पढ़िए, ठीक है, अगर आप इस वे में पढ़ रहे हैं खाली देखने सुनने में, तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका 80% हिस्सा 24 घंटे के अंदर भूल जाएंगे, साइंटिफिकली प्रूवन है। और एक महीने के अंदर, विद इन अ वन मंथ, आप जो है 90% हिस्सा दिमाग से गायब हो चुका होगा, यानी वो धुंधली धुंधली यादें जो 10% है वही बचेगी। तो एग्जाम जो आपका जो स्टूडेंट है उसके लिए इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इन्फॉर्मेशन होल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, लिख लिया इसको, और वो होता है पैकिंग, पैक कर देना, ठीक है। पैक का मतलब होता है हमारी इन्फॉर्मेशन, आप ऐसा तो नहीं है अचानक से किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, ठीक है, वो पीके हैं और लैंग्वेज ढूंढ रही, गोला पिका होता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जो है वो 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर है। सबसे बड़ी बात, उन इन्फॉर्मेशन को आपको अरेंज करना बस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जो भी कुछ सीखिए उसको अपनी से पहले से बैठी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ क्या करिए, अटैच कर दीजिए। जितना अच्छा ये अटैचमेंट होगा, लिंक होगा, उतने लंबे समय तक तुम्हारी सूचनाएं उसके साथ जुड़ी रहेंगी। और याद रखिएगा, जो मेमोरी का सिस्टम होता है वो ये होता है कि आप कितने वियर्ड, कितने जो है विविधतापूर्ण तरीके से उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को जोड़ सकते हैं। जैसे जब आपसे कहा जा रहा है कि अंबेडकर, कल सर ने जो है यहां पर दिखाया था वीडियो, तो ये वीडियो दिखाने का जो तरीका है वो यही है कि आपके दिमाग में वो पिक्चर रहनी चाहिए। अब जो भी यहां पर अंबेडकर का कैरेक्टर था, नेहरू का कैरेक्टर था, या किसी का भी पड़िकर का कैरेक्टर था, आप उस कैरेक्टर को क्या करिए, अपने दिमाग में एसोसिएट कर लीजिए। और आगे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आगे चलकर जो अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे, प्रधानमंत्री का काल पढ़ाया जाएगा, तो वहां उसके पिक्चर के साथ क्या करिए, उसको जोड़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप पैकिंग सिस्टम और फोनेटिक्स के साथ, फोनेटिक्स का मतलब होता है कि यू कैन कन्वर्ट एनी नंबर इनटू पिक्चर्स, किसी भी नंबर को आप पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपने इसके साथ जोड़ दिया तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर जाएगा। और ऐसा करने के बाद आप अपनी सूचनाओं को लंबे समय तक जो है वो थाम कर रख पाएंगे। तीसरा जो आपका सेगमेंट होता है वो विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण करने का मतलब होता है इसके पक्ष और विपक्ष की जांच करना। ये सुना होगा शब्द आपने, ठीक है, आलोचनात्मक व्याख्या करिए, ठीक है, समालोचनात्मक वर्णन करिए, अपना पक्ष रखिए। कहां सुने हैं शब्द? यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। ये तीसरा स्टेप होता है जहां उम्मीदवार से जो है एक आशा की जाती है कि अब उसके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके सभी पक्षों के बारे में बात कर सकता है। कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की खाद्य सुरक्षा, भारत का जो अभी अधिनियम आया था जिसमें भारत की बहुत बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा दी गई थी, हालांकि यूं तो अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी और जो है परियोजना है, परंतु इसके बाद भी इस परियोजना के प्रमुख जो दोष है उसके बारे में वर्णन करिए। अच्छा, सारे अखबार ये बता रहे थे कि इसके बाद देश से भुखमरी मिट जाएगी, सारे अखबार और सारी पत्रिकाएं बता रही थी कि अभी तक देश में इतनी बड़ी जो है खाद्य सुरक्षा की परियोजना नहीं चली, और तुमसे पूछ क्या रहा है वो, समझ में नहीं आ रहा था इसके बारे में लोग क्या लिखें। लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होगा। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे? भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, दूसरा और बड़ा एक सिस्टम बताओ, भ्रष्टाचार को चलो तुमने रोक भी लिया, ठीक है, फिर क्या करोगे, उसको भी रोक लेंगे, फिर सबसे बड़ी हानि बताओ, जैसे तुम कॉमनली बता रहे हो, सबसे बड़ी बोलो बेटा, निचले तबके के लोग हैं वो काम करने नहीं चाहेंगे जब टाइम टू टाइम उनके पास खाना आ रहा है। और एक पॉइंट बताओ, हाँ बोलो बेटा, तुम बताओ, बता रही थी तुम। अरे बेटा एक बार बताओ, मैं अनाज उगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद भी बेचने के बाद भी मुझे मेरी उपज का सही दाम तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, और वहीं पर फ्री में जब 2 रुपए किलो मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, उगा के वहाँ से आके लेना ले लूँ, 2 रुपए किलो में ले लूँ, मैं उगा इसलिए रहा था ना कि पहले मेरे परिवार के लिए बच जाए, जो बचेगा उसके बाद हम उसको बेच लेंगे। तो सवाल है कि जो आपका उत्पादक है वो इससे इनकरेज होगा या डिस्करेज होगा? डिस्करेज होगा, क्योंकि सरकार के पास इतने बड़े भंडारण की ना तो सुविधा है और ना इतनी अच्छी खरीद प्रक्रिया उसमें है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे उपज का मुझे सही दाम जो है वो मिलने की संभावना यहाँ कम हो रही है, और इसकी बजाय अगर मैं इतना जो है मेहनत करने के बाद मुझे बाजार दाम से खरीदना पड़ेगा, इससे अच्छा इस परियोजना में अपने आप को गरीब बताकर 2 रुपए किलो ले लूं। तो सवाल है कि जिस खाद्य सुरक्षा को आप बनाने चले गए थे उस खाद्य सुरक्षा को आप बना रहे हो या उसको चैलेंज कर रहे हो?
अब आप बताओ, जब उत्पादक ही नहीं प्रोत्साहित होगा और उसको उसकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा, तो जब उत्पादक ही जब बैठ जाएगा तो तुम उत्पादन का करोगे क्या, कहां से लेकर आओगे उत्पादन? और इससे क्या होगा, एक ऐसी साइकिल जनरेट हो जाएगी जो खाद्य सुरक्षा का सबसे प्रमुख बिंदु है, आपका किसान वही क्या होगा, सबसे ज्यादा निरुत्साहित हो जाएगा। और आने वाले कुछ सालों के बाद, अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद ये पूरा चक्र जो होगा एक बहुत बड़े साइकिल में फंस जाएगा। लेकिन ये बात आपके दिमाग में आएगी कहां से, मैं आपको ये प्रूव करने कर रहा हूं, ये वो पूछ रहा था यहां पर, इसके बारे में बात हो रही थी विश्लेषण करने की। और इस पॉइंट को आप तब लेकर आओगे जब इन दोनों प्रक्रियाओं को आप प्रॉपरली पूरा कर लोगे, ये अपने आप नहीं आएगा, और यहां पर आने के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। अब आप कॉन्फिडेंट है, अब आप किसी से ये नहीं कहोगे कि पता नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तब आप ये कहना शुरू कर दोगे, देखना है कि रैंक मेरी कहां 100 के ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है। और ये कॉन्फिडेंस जिस दिन तुमने गेन कर लिया, उस दिन तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान है। डन। निष्पादन, निष्पादन कई तरीके से होता है, एक जो आपके लिए काम करना है वो लिखकर, राइटिंग एंड बाय कम्युनिकेटिंग, इंटरव्यू देकर, आप दोनों तरीके से अपने निष्पादन करोगे, ठीक है। इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा जो आप जानते हैं उसके बारे में, और जो आपके 1750 नंबर हैं वो किस बात पे हैं, आपकी राइटिंग पे। सो इन तीनों प्रक्रियाओं के पूरा करने के बाद, यानी दिमाग में आपके जो सूचनाएं हैं आपने उसको जो होल्ड किया और दिमाग की जो है वो मिक्सी में उसको मत डाला, उसके बाद जो कुछ भी निकल कर आ रहा है आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आयुष्मान भारत में क्या क्या कमियां यही पूछ ले, और सरकार तो कह रही है कि ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना नहीं आई है, तो आपको हर स्थिति के लिए वहां तैयार रहना। आप यूपीएससी को ये उंगली नहीं दिखा सकते कि भैया तुम यही वाले क्वेश्चन जो है सेट करके पहले दो और यही पूछो, हम अभी इतना ही पढ़ पाए, ठीक है, आप उससे नहीं कह सकते। वो आपसे जो कहेगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको लाना पड़ेगा। और यहीं पर जो है निष्पादन के विश्लेषण करने की क्षमता, और देन राइटिंग पावर, ये जो है चौथा स्टेप, एंड द नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपको चैलेंज समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं, आज से सबसे पहले आपको क्लास में ये करना है, इन तीनों चीजों को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, चलो थोड़ी देर पहले मैंने जब सक्सेस के बारे में कहा था, तो आज से आप लोगों को नोट टेकिंग, नोट टेकिंग में क्या था आप देख रहे थे, चैलेंज क्या आ रहा था, नोट टेकिंग में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, जो आप कर रहे थे, दो चार कलर का पेन लेके बैठ जाते हैं क्लास में, टीचर जो बोलता जाता है धका धक उसको लिख जाते, लाइन लाइन सुंदर सुंदर लिख जाते हैं, कॉपियां मोटी मोटी हो जाती हैं, और अच्छा लगता है कि आज हम बहुत पढ़कर आए हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर क्लास से उठ रहे हैं और आपको क्लास की बातें रिसाइट नहीं है या उसको एनालाइज करने की पावर आपके अंदर नहीं है, तो आपकी क्लास बेकार चली गई है, राइट। तो नोट टेकिंग में आप क्या कर रहे थे, आप लीनियरली लिख रहे थे इसको, रेखीय रूप से, रेखीय रूप से लिखने की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो नई इंफॉर्मेशन होती है, नई सूचना, उसको आप जो है वो लिंक नहीं कर पाते हैं, लिंक नहीं कर पाते, यानी आने वाली फर्दर जानकारियां आपको नहीं मिल पाती। कैसे नोट्स बनाते हो, ये आप लिखना शुरू करते हो, ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते हो ना, ये बहुत लोग करते हैं कि किताब में भी या अखबारों में जो है अंडरलाइन करते हैं, फिर उसको इसी प्रकार लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमारा दिमाग इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, हमारे दिमाग की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूरॉन्स होती है, और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल बनते हैं, ये आपके न्यूरॉन्स हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं इसको, और हमारे दिमाग की जो सूचनाएं होती हैं डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक डेंड्राइट्स दूसरे डेंड्राइट से 20×10^20 के माध्यम से जुड़ता है, इतनी तेज हमारा दिमाग काम करता है। जब आप उससे कोई भी सूचना मांग रहे होगे, अरे फलाने का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, वो फलाना कब जो है पैदा हुआ, ये सारी जब इंफॉर्मेशन मांगते हो, तो आपके न्यूरॉन्स बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने का जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रो केमिकल, ये इस वे में जाकर जुड़ते हैं, ठीक है, विद्युत रसायन के माध्यम से ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। अगर ये प्रॉपरली लिंक करने की क्षमता नहीं पैदा कर पाते हैं, तो एग्जाम में आप ऐसे ऐसे हाथ मारते, यार पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो इसी वजह से होता है कि प्रॉपरली आप इसको लिंक नहीं कर रहे। ये हमारे दिमाग की संरचना है, ये बहुआयामी संरचना है, ये डेंड्राइट्स थ्री डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो आपका जो दिमाग सोचता है वो क्या करता है, वो किसी भी एक बिंदु को लेकर उसके बहुआयामों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये हमें मौलिक रूप से, हमें जैविक रूप से मिला हुआ, बायोलॉजिकल वे में मिला हुआ है, बट हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में लीनियरली ट्रेन कर देते हैं, और ट्रेन करने के पश्चात जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये होती है कि हमारे दिमाग की मूल संरचना और जो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में सीखा है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, और इसी विरोधाभास की वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम लोग जो जिस बारे में बात करेंगे
वो होगा पहले विचारों को पैदा करने की क्षमता, यानी कि लीनियर विस्टर को हम छोड़ेंगे और अब हम लोग मल्टीलैटरल वे में सोचना शुरू करेंगे, मल्टी डायमेंशनल वे में सोचना शुरू करेंगे। इसके लिए जब भी मान लो आपको कोई टीचर, आप किसी क्लास में बैठे हुए हो, तो मैंने आपसे हमेशा कहा एक कॉपी अलग रख लो, ठीक है, एक छोटी सी पतली सी कॉपी, और उसको हॉरिजेंटल वे में, हॉरिजेंटल वे का मतलब इस प्रकार जो है उसके पेजेस अरेंज होने चाहिए, ठीक है, जो आपके टीचर आपसे लिखा रहे हैं वो बात करो। लेकिन आईएएस में क्या होता है, आप लोग अगर कई बार यूनिवर्सिटी वे में आते हो क्लास में, कि यहां पर आते ही कुछ लिखाना शुरू कर देंगे, आईएएस की क्लासेस में डिस्कशन जो होता है वो क्लास का कोर होता है, ठीक है, वो कोर होता है, जहां पर टीचर एक वर्ड पकड़कर जो है वो बहुत लंबी बात अपनी कहता है और उसके साथ क्या करता है, वो बहुत लंबी अरेंजमेंट करना शुरू कर देता है। आप लोगों को जो नोटिस किया है मैंने, और जो ये एक्चुअलिटी है भी, कि उसमें क्या होता है, आप थोड़ी बहुत बात सीखते हो और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ती चली जाती है, क्लास आधा घंटा 45 मिनट, आपकी बॉडी थकना जब शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे पीछे वाली बात क्या हो जाती है, गायब होने शुरू। और नोटिस करना, कल जब मैंने आंसर राइटिंग दिया था, या तुम लोग जो आंसर राइटिंग कर रहे होगे, जो टीचर ने सबसे लास्ट में पढ़ाया है तुम अपने आंसर में सबसे पहले वही रखते थे, और जो शुरुआत में पढ़ाया था 2 घंटे पहले वो क्या हो गया होता है, वो गायब होना से। जबकि क्वेश्चन जब हम देते हैं तो उस पॉइंट पे सबसे पहले देते हैं जहां से हमने पढ़ाना शुरू किया था, और वो वाले पॉइंट को आप कहीं और ले जाकर सेट कर देते हो। आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप लीनियरली इंटर कर रहे हो और लीनियरली आपके दिमाग से वो गायब होना शुरू कर रहे हो। अभी जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, किसी का ना हाथ चल रहा है ना कोई जो है उसको नोट डाउन कर रहा है, सब लोग बड़े मजे से सुन रहे हो, और अभी मैं पूछ लूँ कि क्लास की शुरुआतें क्या हुई थी और कौन कौन सी बातें मैंने आपसे कही हैं, तो कई लोग जो हैं वो हकबका जाएंगे और उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये बार बार हो रहा है और आप उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आज से जो आपको क्लासेस में करना है वो करना है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का मतलब मैंने अभी जो तुमसे 4 स्टेप डिस्कस किए, 4 स्टेप कौन कौन से स्टेप थे, सुनना, देखना, इन दोनों को मर्ज करोगे और इसको किस में लेकर आओगे, इमेजिनेशन पावर में, इमेजिनेशन पावर में, ठीक, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, उसको होल्ड करना, और होल्ड करने का तरीका क्या होता है भाई, अगर सीधी सी बात है, ये मुझे अगर टाई होल्ड करनी है तो मैं इसे हवा में रखूंगा होल्ड हो जाएगी, मुझे एक खूंटी, एक आलंबन कुछ तो मुझे चाहिए होगा, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सिंपली यही तुम्हारे दिमाग में होता है कि अगर तुम कोई नई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना चाहते हो तो आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज द आर्ट ऑफ होल्डिंग। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और एनालिसिस मतलब होता है निर्णयन की क्षमता, ठीक है, यानी कि जब एनालिसिस प्रॉपर कंप्लीट होता है, अगर वाकई में आप एनालिसिस पावर में हो तो आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता पैदा होगी जिसे हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जिस एस्पिरेंट के अंदर ये है वो न सिर्फ बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर पाएगा, याद रखिए आगे चलकर वो बहुत अच्छा ऑफिसर भी बनेगा, ठीक है, जिसके पास निर्णयन की प्रक्रिया है, क्योंकि निर्णय वही दे सकता है जो दोनों पक्षों को क्या कर सके, जिसके दिमाग में इतनी क्षमता है कि वो दोनों पक्षों को इवेल्युएट कर सके, राइट। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इन तीनों चीजों को हम लोग कहां पर लेकर आ सकते हैं, और वो होता है नोट मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। आज आप क्या करना है, आप अपने दिमाग के अनुरूप जाना शुरू करेंगे। अभी तक आप क्या करते थे, जो टीचर बोल रहा है जब वो बोलता है तब, अब आप लोग जो सुन रहे हो, ठीक है, जब हम लिखाने पर आते हैं तो हमें भी एक डायमेंशन लिखाना पड़ता है, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं यूपीएससी क्लासेस में तो हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जंप कर रहे होते हैं। ये जो डिस्कशन है यही एक्चुअली कोर है, यही यूपीएससी का कोर है, इसको जितनी जल्दी आप थाम लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए आसान होगा। तो वहां पर जो है अब आपको ये प्रोसेस छोड़ना पड़ेगा और इस प्रोसेस में आप एंटर करेंगे। आपका जो भी थीम है, जो भी क्लास है, पॉलिटी की है, इकोनॉमिक्स की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उस टॉपिक को बीच में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप मैसअप जो है नोट्स बनाएंगे, यानी बिखरे हुए नोट्स बनाएंगे, अभी आपको जल्दबाजी नहीं है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव लर्निंग के दौरान आप सबसे पहले ब्रांचेस ड्रॉ करना शुरू। आपने देखा था इससे पहले वाले जब मैंने मैप बनाया था तो मैंने एक मेन ब्रांचेस जनरेट की थी, ठीक है जी, जिसमें मेरी सफलता क्या है, सफलता के आयाम क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। आपने देखा था जैसे ही मैंने सफलता के बारे में कहा कि भाई इसके आयाम क्या है, एक मेरी स्वयं की सफलता और एक मेरी प्रोफेशनल सफलता, ठीक है, आपने देखा कि जैसे मैं स्वयं की या प्रोफेशनल पे पहुंचा, मेरा दिमाग ने अगली इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया था, अपने आप जो है प्रोसेस कर दिया कि भाई स्वयं की सफलता में मैं क्या देखता हूँ, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी शिक्षा हो, मैं टाइम से सोकर उठता हूँ, मेरा जो है खान पान जो है उच्चतम है, कोई जो है वो ऐसे व्यसन या जो नशा इस तरह की चीज़ों को आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सफलता है।
ठीक है, और प्रोफेशनल सफलता कि मैं जो अचीव, मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ उसमें सक्सेस हो जाऊँ, या जो मैंने टारगेट अपनी लाइफ के लिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है, वो मैं क्या करूँ, हासिल कर जाऊँ। तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं ब्रांचेस के आगे बढ़ रहा था, इन्फॉर्मेशन क्या हो रही थी, अपने आप जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक, मैं यहां बात कर रहा हूं सभी बच्चे जो अभी से इस आदत को सीखने जा रहे हैं, कॉपी को दो हिस्सों में आप लेकर आइए। एक कॉपी जो टीचर आपको नोट्स बनवा रहा है वो रखिए, और लेकिन जब टीचर कोई बात डिस्कस करने जा रहा है तो उस कॉपी को अलग कर लीजिए। उस कॉपी के सेंटर में थीम लिखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपने कहा प्रीएम्बल, ठीक है, तो आपने तुरंत यहां पर क्या लिखा, प्रीएम्बल, हमने कुछ भी पढ़ा। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है, आप टीचर ने बताना शुरू किया, खुद से बताना कि भाई ये प्रीएम्बल आया कहां से। ठीक है, तो जो आपके पॉइंट्स लिखे गए, ठीक है, आया कहां से, या इसकी जो है, इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। कोई भी चीज डेवलप हो रही है अगर यूपीएससी में, तो रातों रात वो इवॉल्व नहीं होगी, उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया। सर ने बताना शुरू किया कि भाई जब हम यहां संविधान तक पहुंचे तो 1935 में जो हुआ था, 1935 बताया गया होगा, उस समय के जो महत्वपूर्ण सुधार थे, उससे पहले भी 1929 में जब हमने पूर्ण स्वराज के बारे में बात किया था, 30 में गए और वहीं से जो है एक चैलेंज ब्रिटिशर्स ने किया था कि अपना स्वयं का संविधान बनाकर हमें दिखाओ, और वहीं से हमारे जो 20 थे वो क्या हुए, बहुत मजबूत होने शुरू हो गए, और धीरे धीरे आगे चलकर हम क्या हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हुए। यानी ये जो हमारी सिस्टम है ये बहुत पहले आया, और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने उसमें बुद्ध की जो आपकी थ्योरीज थी अहिंसा की, गांधी की जो थ्योरी थी अहिंसा की, और जो है अपरिग्रह की, इन सभी थ्योरीज को हमने क्या किया, इवॉल्व करना शुरू कर दिया, और हमने अपने संविधान का बेस ये बनाया कि जहां पर लोगों को एक संतुलन स्थापित किया जा सके। और साथ ही साथ हमने हमेशा इस बात पे ध्यान रखा कि किसी भी शक्ति का अतिक्रमण दूसरी शक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, और जो हमारे संविधान के तीनों महत्वपूर्ण खंभे हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसको इस प्रकार अरेंज किया कि कोई भी दूसरे के ऊपर शक्ति का अतिक्रमण ना कर सके। और यही कारण है कि एक ही दिन विभाजित हुए दो देश, भारत और पाकिस्तान, दो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्या कर पाए, स्थापित कर पाए। जहां पाकिस्तान में जो है सेना वो लगातार जनसत्ता के ऊपर जो है वो हावी होती रही, वहीं भारत ने जो है वो लगभग जो है एक तरह से कहा जाए कि एक, जिसे कहते हैं बिना कलंक के, एक लंबा जो है वो इतिहास निकाला, अगर हम जो है इमरजेंसी के कुछ दिनों को निकाल दें तो हमारे पास एक अच्छी लीजेसी एस्टैब्लिश है। तो कुल मिलाकर ये जो सफलताएं हैं दोनों देशों की और एक देश की असफलता जो है, यहां पर अगर हम बात करें तो इसके पीछे हमारी ये लंबी कहानी। आपको क्या करना पड़ेगा, तत्काल उन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डन। इसके बाद टीचर आगे जो भी बताता चाह रहा है वो एक क्रम में अपनी क्लास को आगे लेकर आएगा। फिर ये हुआ कि इस पूरी प्रोसेस, प्रक्रिया कैसे हुई, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के मेंबर्स कैसे चुने गए, मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन किया या विरोध किया, विरोध का जो आधार क्या था, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की गई होंगी। आपको तुरंत अपनी कॉपियों में शॉर्ट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, वो ब्रांचेस लिखने पड़ेंगे। सपोज दैट जहां पर कहा गया 1935, सर ने बताया कि इसकी शुरुआत जो होती है उसमें से हमने काफी ज्यादा हमने प्रस्तावनाएं ली है इसमें। 1935 में क्या हुआ था, क्वेश्चन मारो, 1935 में ऐसा क्या हुआ था, तुरंत आप कहां पहुंच गए, 1935। टीचर ने बताया नहीं बताया तो कम से कम एक क्वेश्चन तुम्हारे पास तैयार है कि सर 1935 क्यों, हम पिट से ले सकते थे, हम रेगुलेटिंग से ले सकते थे, हमने 1935 से इतना ज्यादा क्यों लिया, आखिर क्या हुआ था वहां पर, हमने क्या चीज एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो वहां पर क्या आपके दिमाग में आ गया, टीचर ने वहां बताया तो उसको क्या करो, तुरंत मेंशन कर लो, ना तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए तो कहना एग्जाम में, क्योंकि यही वो बारीक चीजें होती है जो यूपीएससी पूछता है। अब टीचर जैसे जैसे बोलता जा रहा है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमारा दिमाग पांच हिस्सों में काम करता है, हमें ये काम करना होता है, कितने लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को लिखा, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं इस क्लास में, ज्यादातर लोग जो है वो शांति से बैठे हुए सुन रहे हैं, उसको तुरंत के तुरंत जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा। इसके साथ आपको ये बताना पड़ेगा ये इसके साथ रिलेटेड है और ये इसके साथ रिलेटेड है, आप ये काम जो है वो धनाधन करते जाओ, दूसरी कॉपी रखो और एक्टिव रहो। ये जो आपका सिस्टम है ये सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम यह है, क्योंकि आप इसमें अपनी क्लास की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। और कोशिश करो ये पेंसिल से बनाओ, ये स्टेप वन है, जब आप अपनी क्लासेस में इसको कर रहे हो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन टीचर बोलता जा रहा है शुरुआत में, अभी आप जो है इतना प्रिपेयर नहीं हो, तो जो इन्फॉर्मेशन वो बोलता चला जा रहा है, चाहे फ्लो चार्ट में, चाहे वो आपके थॉट मैपिंग में, उसको जो क्या करना शुरू करो, अरेंज करना शुरू कर दो। ठीक है, उसको जो है वो सिस्टम को लेकर आओ, पेंसिल से घर जाकर आपको इसको डिकोड करना है। आज मेरे टीचर ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, इसके बारे में ये बात हुई, और जहां आपका क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन निकाल लो, ये मुझे अपने सर से इसके बारे में बात करनी है, अगले दिन ही आपकी क्लास पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बचेगा, उसको जो है वो डिलीवर करने की आदत। शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें आदत हो गई है
दाएं हाथ से ब्रश करते हो, बाएं हाथ पकड़ा दूंगा, मसूड़े काट लोगे, तो फिर तो ये तो पूरी जिंदगी की कमाई है, पूरी जिंदगी कमाई है। ओजांग सर कह रहे हैं इसको तोड़ दो, पहले कहा था तोड़ूंगा पहले फिर जोड़ूंगा, बिना टूटे कोई नया निर्माण होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले इस सिस्टम को करेंगे फिर सेकंड सिस्टम में मैं आता हूं, ठीक है। अभी जो ये मेसअप दिखाई पड़ रहा है ये बहुत खूबसूरती से अरेंज हो जाता है जाके, ठीक है। यूपीएससी में जो बुक्स लिखी जाती हैं या जो आपके नोट्स होते हैं या जो अखबार होता है, ठीक है, वो जो अखबार होता है वो कुछ खास तरीके से सेट किया जाता है। जैसे अगर जब मेरी आदत हो गई है, ठीक है, जब मेरी आदत हो गई है मुझे इसको सेट करने की, तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज पहला आता है वो होता है कुंजी वाक्य को ढूंढना, कीवर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां आप याद रखिएगा जो आप मैप बनाएंगे उसमें आप सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो आपकी ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ये आपका सेंटर वॉक हो गया, कोई भी आपकी जो थीम हो गई जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो, जो भी आपकी क्लास है, उसके बाद जो आपकी ये ब्रांचेस होंगी ये कीवर्ड्स के बराबर होगी। जैसे सपोज दैट मैं लिखने जा रहा हूं कि भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने भाई जैसे मेरे दिमाग ने जो है वो एक इमेजिनेशन किया, अब मैंने किसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, इमेजिनेशन को, कि भैया ये जो डॉक्टर का आला होता है मैं अपने हिसाब से यूज कर रहा हूं, हर आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर देता है। मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है मैंने वो बना लिया कि दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, एक बार आपने सेट कर लिया वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ये हेल्थ से रिलेटेड है। भाई अब हुआ कि भाई जो है सरकार की जो पहली योजना है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर है, तो थीम क्या हो रही, स्वास्थ्य। दूसरा अब ये हुआ कि भारत सरकार की योजना जो है स्वास्थ्य क्षेत्र की, बच्चों के स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना है, चाहे इंद्रधनुष हो गया, चाहे जो है वो टीकाकरण योजना या तमाम जो है उस तरह की योजना है, तो भैया मैंने कुछ नहीं किया, एक टूडलर बना लिया, ठीक है, जैसे बच्चा होता है तो बच्चों की योजना है, जैसे वो अपने हाथ पैरों के दम पे चलते हैं तो वो क्या होता है, बच्चों की योजना है। कौन सी योजना है सबसे पहले, मिशन इंद्रधनुष, ठीक, बताओ कितने शब्द इस्तेमाल किए मैंने। आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने दिमाग को इन्वॉल्व कर रहे हो, आई लिसन आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई लर्न, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, और अगर मैंने उसको करके देख लिया तो वो मेरी जिंदगी में उतर गया। अब आपको चॉइस करनी है कि सुन के अपनी क्लास को लेकर जाना चाहते हो, या अपनी क्लास को देखना चाहते हो, या अपनी क्लास को डू करना एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। इफ यू एक्सपीरियंस एनीथिंग वो कभी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल सकता। मैं तुम्हें 500 एग्जांपल दे सकता हूं, 500 एग्जांपल दे सकता हूं। क्रिकेट खेला है, साइकिल चलाई है, ब्रश किया है, किया होगा, ठीक है। ये मुझे बताओ ये कैसी चीजें हैं, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा देखो साइकिल ऐसी होती है कि दो पहियों पर होती है, उसके बाद उस पर गद्दी पर चढ़ना पड़ता है और उसके बाद संतुलन स्थापित करना पड़ता है, जहां पर जो गुरुत्व केंद्र होता है वो मध्य से होकर गुजरना चाहिए तभी संतुलन स्थापित होता है। सीख गए साइकिल चलाना, मुंह के बल गिलोगे दो चार अंदर हो जाएंगे दांत। लेकिन आपको गुरुत्व केंद्र के बारे में ना पता हो, घर्षण के बारे में ना पता हो, लेकिन साइकिल चलाना आता है, आपको पता है कि साइकिल चढ़ाने के बाद अपना बैलेंस अपने आप ही सेट हो जाता है, गुरुत्व का केंद्र भी हो जाता है, कई लोग लहराते हुए भी चलते हैं, हाथ पैर छोड़ के भी चल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ लोग तो और आगे करतब दिखाते हैं। उसके लिए उन्हें कौन सी किताब पढ़नी पड़ती है, ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आनी पड़ती है कि भैया जो रोलिंग फिक्शन कैसे निकालते हैं, है कुछ ऐसा, सिंपल सी बात है, आई डू आई लर्न। और अगर आप 5 साल साइकिल ना चलाओ और आपने खुद साइकिल चलाई, साइकिल नहीं चलाओ, भूल जाओगे साइकिल चलाना कि अब मेरा गुरुत्व केंद्र किधर सेट होगा, नहीं होगा ना। व्हाई यू लर्न इतने लंबे समय तक, और यहां 2 घंटे टीचर पढ़ा कर गया और आप एक आंसर नहीं कर पा रहे हो, 2 घंटे आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन साइकिल जो है 5 साल बाद भी आप उठाओगे तो साइकिल आप चला लोगे। मोटरसाइकिल आपको चलानी आती कि भैया गियर कैसे डाला जाता है, आगे इसको कैसे चलाते, व्हाई आई डू आई लर्न, ठीक है, अब मैंने किया मुझे याद रहा। तो ये जो थॉट मैपिंग है ये बेसिकली डू है, ठीक है, आपने जो देखा जो आपने सुना उसको आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने दिमाग में उसको मथना शुरू कर दिया। अब सोचो कि मैं कह रहा हूं कि मैं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, मैं स्पेशली जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहा हूं, मैंने इस पूरी इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स में क्या करना शुरू कर दिया, कन्वर्ट करना शुरू किया। इतना मजा आएगा इसको करने में, नोट्स मेकिंग प्रोसेस इतना मजेदार है कि आप दिमाग लगाओगे कि मैं इसको छोटे से छोटा कैसे कर सकता हूं, बिकॉज आई कन्वर्टिंग इनटू द कीवर्ड्स। अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप छोटे छोटे जो है वर्ड्स यूज करना शुरू करो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मुझे पढ़ना है कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट, ये फाउंडेशन है, ये राइट है, फंडामेंटल राइट हो गया मेरे लिए, बट व्हाट आई यूज माय माइंड। मैंने क्या किया, उस पूरे सेंटेंस को थोड़ी देर सोचा कि बार बार मैं फंडामेंटल राइट्स अपने नोट्स में लिख रहा हूं, टीचर पढ़ाता चला जा रहा है, इसको बनाने में क्या टाइम लगा,
कुछ नहीं टाइम लगा, ठीक है, फाउंडेशन एंड राइट, फंडामेंटल राइट हो गया, ये मेरा है और मैंने बनाया तो मुझे हमेशा के लिए वो याद रहेगा। भाई मुझे बात करनी कि भाई आज मुझे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, मैंने कुछ नहीं किया, किसान का हल बना दिया, नाउ दिस इज द फॉर मी दिस इज द एग्रीकल्चर सिस्टम। प्रॉब्लम है तो एक डरा हुआ एक भयानक सा चेहरा उसके सामने जोड़ा, कार्टून बनाने में मजा आने लगेगा, मुझे नोट्स बनाने में मजा आने लगेगा, मैं ढेर सारे नोट्स बना सकता हूं और ये इतना खूबसूरत नोट्स है कि आप, मैं आपको अभी बताता हूं, 30-35 पेज की जो किताब है अगर कोई चैप्टर है तो वो एक पेज में सिमट जाएगा, एक पेज में सिमट जाएगा। यू डोंट नीड टू लर्न द सेंटेंसेस द वर्ब हमारे दिमाग में। मैं तुमसे कहता हूं, मान लो मेट्रो में कभी सफर किया है, उस पर एक ऐसे निशान बना होता है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, इस पर ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, सीट बनी है उस पर लिखा हुआ है, दरवाजा है, दरवाजे पे ऐसे जो है वो एक हाथ का साइन है और अपना जो इस पे क्या बना हुआ है, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए कौन सी तुम्हें जो है वो डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना पड़ेगा, है जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, जैसे इस सिंबल को पढ़ा आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली डिकोड कर लिया। ये जो चीज है इस चीज को आप समझना शुरू करिए कि आपका दिमाग इतना सफिशियंट है कि अगर आप ये चीज उसको देते हैं, क्योंकि ये आपने पैदा किया है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको डिकोड कर लेगा कि मैं, मेरे लिए इस पूरी बात का मतलब ये है कि यहां पर हाथ रखना मना है, यहां पर बैठना मना है, ये सीट जो है दैट इज, अगर ऐसे बना हुआ है ये सीट, दैट इज अ रिजर्व फॉर ओल्ड पर्सन, छड़ी बना दी ओल्ड पर्सन के लिए रिजर्व है, तो दैट मीन दिस सीट इज रिजर्व फॉर ओल्ड पर्सन। मुझे क्या जरूरत है कि दिस सीट इज रिजर्व फॉर ओल्ड पर्सन, आप यही करते हो। हमारा दिमाग उस वर्ब, उस प्रोनाउंसिएशन, उस जो आपका कंजक्शन है उसको अपने आप जो है वो जोड़ के रख लेता है। आप एक भाषा सीखकर यहां पहुंचे हो तो आपको बार बार उसको अपनी कॉपियों में लिखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको कीवर्ड्स पकड़ना है और कीवर्ड्स के आसपास अपनी पूरी बात को रख देना है। अगर आप वाकई में इसको करके लेकर जाते हो तो दो दो, ये जो आपकी दो दो ढाई ढाई घंटे की क्लास है वो एक से दो पन्ने के अंदर सिमट जाएगी, एंड दैट इज नोन एज साइनॉप्सिस। बार बार मेरे मुंह से बात आती है कि टॉपर साइनॉप्सिस बनाते हैं, टॉपर साइनॉप्सिस बनाते हैं, दिस इज अ साइनॉप्सिस। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि लीनियर नोट्स में आप अगर कहीं नई इंफॉर्मेशन, छह महीने बाद पता चली कि सर ने कुछ नया बताया है, अभी मान लो कोई नया संवैधानिक विकास हुआ है या कुछ ऐसी नई बात आ रही है, जैसे कि देश में अभी तक आप जो पढ़ रहे होगे कि भाई राज्यों के और केंद्र के चुनाव अलग अलग होते हैं, मान लो जिस तरह की हवा बयार चल रही है छह महीने बाद ऐसा हो जाए कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो और उसकी प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग होंगी, अब इस इंफॉर्मेशन को इस नोट्स में तुम कहां रखोगे? तुमने चुनाव प्रक्रिया का नोट्स पेज नंबर 6 पर बनाया है और आज से 8 महीने बाद तुम्हें एग्जाम से पहले कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, इसको इन्फॉर्मेशन को यहां रख पाओगे? कहां लेकर जाओगे? हो सकता है दूसरी कॉपी में या कॉपी के अंत में, लेकिन सवाल है कि एग्जाम से पहले आपको कैसे जो है दोनों के दोनों को आप कैसे याद कर पाओगे, जोड़ पाओगे? लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप कहीं भी इन्फॉर्मेशन को एड ऑन कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खास बात, ये आपकी कॉपियों में नहीं दिखाई पड़ेगा, आप ये नोट्स बनाइए, ठीक है, और नोट्स बनाकर अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। आप ब्रश भी कर रहे हो, बाल भी झाड़ रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो और आपके सामने आपका रिवीजन क्या होता रहेगा। और जब आपका ब्रश करना, आपका जो है वो गाने सुनना, आपका पानी पीना, और उस समय भी अगर आपका दिमाग अपनी क्लास के लिए एक्टिव है, तो इससे बेहतरीन दिन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता, आपका इससे बेहतरीन जीवन नहीं हो सकता। और वो जीवन जो है वो वाकई में अर्थपूर्ण है, जहां पर आपने हर एक टाइम को अपने यूपीएससी के लिए डिवोट कर दिया। आप अगर खड़े भी हो दीवार के सामने, ब्रश भी कर रहे हो और साथ साथ आपका क्या चल रहा है, कल टीचर ने जो है मुझे प्रीएम्बल के बारे में ये पॉइंट्स पढ़ाए। और इसकी सबसे खास बात जानते हो क्या है, ये आपके न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग है। और इसकी सबसे बड़ी बात है, जब आप उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, यार ये और ये ब्रांच ये एक साथ हो सकती है, ये दोनों एक ब्रांचेस एक साथ हो सकती हैं, तो क्यों ना दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इसका संबंध इस वाले के साथ है, क्योंकि आपके जितने विचार थे वो क्या हुआ है, आपके सामने कॉपी में दिखाई पड़े। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक वर्ड है हैप्पीनेस, खुशी। चलो इसके साथ छोटा सा एग्जांपल कर देते हैं, खुशी क्या है, व्हाट इज द हैप्पीनेस फॉर मी, हैप्पीनेस फॉर यू, इच्छाओं की, मेरे साथ बताते जाओ, इच्छाओं की, अभी लिखने को दे दूंगा 10 लाइन से ज्यादा, हार्डली 10 लाइन भी नहीं लिख पाओगे, लेकिन अभी देखना यहां क्या होने जा रहा है, इच्छाओं की पूर्ति। चलो और कुछ, मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी फैमिली, और जो आप चाहो, ठीक है, उसको पूरा करना, और सफलता खुशी देती है, बिल्कुल देती है भाई, और हाँ खुशी आउटकम, इच्छाओं की
पूर्ति इसी के साथ। चलो और बोलो, ठीक है। चैलेंजेस, चैलेंजेस से लड़ना, व्यायाम, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बुक्स को पढ़ने से किसी को खुशी तो मिलती नहीं होगी, मदद करना, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। स्टोरी पढ़ना, बहुत बढ़िया। और किसी की हेल्प करना या किसी को मोटिवेट करना, मूवी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। असली जो ईमानदार हो बोलो, सही रास्ता दिखलाना, किसी को सही रास्ता दिखलाना, हेल्प करना, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं जी बेटा, मारपीट वाला कौन था? हाँ, मारपीट करना, ठीक है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, लेकिन याद रखना उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तुम्हारी बात को रखते हुए मान लेते हैं, ठीक है। बताओ कौन रहा है, तेज हवा का झोंका, मारपीट तो तुम हवाओं से ना कर पाओ, अरे कम से कम डोले शोले बना लेते फिर तो कहते है। चलो हाँ बना रहे हो, अरे बनाने के बाद करना, पहले बहुत रिस्क है। हाँ आगे, घूमना, वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉमेडी, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति में ही हम डाल देते हैं। डायरी लिखना, ठीक है। हाँ जो आपकी इच्छाएं हैं, आईएएस, हाँ चलो इससे किसको खुशी मिलती है। हाँ आगे देख लेते हैं, और कोई, पार्टी करना, गुड गुड गुड, वो लग रहा था तो बहुत बेचैन हो उसके लिए। पावर, पावर, और कुछ, लोगों से बातचीत करना, बाइक, ठीक है, पार्टी करना, बाइक चलाना, खिलाना, अच्छा ये तो बढ़िया है यार, ये वाली हॉबी वाली खुशी तो बहुत जरूरी, बांटने से और बढ़ती है, ठीक है। हाँ और कोई, सोना, हाँ ये तो बढ़िया यार, ये वाली खुशी तो बहुत बढ़िया है, सोना। चलो गेम्स खेलना, और पूजा करना, अरे भाई बिल्कुल बढ़िया भाई, जो ध्यान पूजा, ये इसका एक पक्ष है। अब देखो तुम्हारे दिमाग में समझ में आया कि आइडियाज कैसे पॉपअप कर रहे हैं, आइडियाज कितनी तेज पॉपअप कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें यही कॉपी में लिखने को देता तो शायद किसी एक खुशी में, तुम मैं बताऊं क्या लिखते, खुशी एक ऐसा अनुभव है जिसे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों रूप से महसूस किया जा सकता है, ठीक है, दे दो उसको, मर जाए वो पढ़ के, ठीक है, मार दो उसकी जान ले लो, ठीक है। और उसके बाद पूरे टाइम पर मैंने अपने जीवन को भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता, और नहीं तो इसके बाद विवेकानंद ने कहा था, दे मारते उसको जो है। बस सवाल है कि तुम्हारा अभी लर्निंग प्रोसेस है, और लर्निंग प्रोसेस में आप जितना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपने लर्न में रखोगे वही तुम्हारा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी ये खत्म कहाँ हुआ है, जैसे सपोज दैट किसी ने कहा परिवार के साथ, तो परिवार में हो सकता है कि भाई 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 में बड़ी लड़ाई चल रही हो, किसी को अपने दादा दादी के साथ, ठीक है, किसी को अपने पेट के साथ जो आपके घर में जो है पालतू है उसके साथ, माता पिता के साथ, किसके साथ आपको जो है बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, ठीक है। जैसे किसी ने कहा भाई पार्टी करना, तो पार्टी भी तो अलग प्रकार की होती है भाई, पार्टियां इस तरह होती है भाई, किसी जो है वो पर्यटन स्थल पर घूम के आना, किसी को जो है डिस्को में जाना पसंद है, किसी को मूवीज देखना पसंद है, तो वो पार्टीज के प्रकार आप लिख दो क्या है, ठीक है। किस प्रकार, किसी ने कहा कि भाई डायरी लिखना, तो डायरी में भी कई प्रकार की डायरी लिखी जाती है, कोई आध्यात्मिक लिखता है, कोई जो है वो मोटिवेशन लिखता है, कोई अपनी कहानी कहना पसंद करता है, कोई निराशाजनक लिखता है, कोई डायरी में जो है वो कोई एक फैंटेसीज लिखना पसंद करता है, ये कल्पना लोक में जाकर बात करने के लिए, ठीक है। हेल्प करना, किसकी हेल्प करना आपको पसंद है, कुछ लोग जो है बच्चों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा जानवरों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं, सो यू कैन फाइंड आउट देयर डिफरेंट कैटेगरीज। अब आप देख रहे हैं कि आपका दिमाग एक विचार प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है, और अभी मैं तुमसे कहूं कि इसको अपनी कॉपी में बनाकर एक्सपेंड करना शुरू करो, 10 मिनट दूं, आप कम से कम इसकी डबल ब्रांचेस बना दोगे, कम से कम इसकी डबल ब्रांचेस बना दोगे, ठीक है। पूजा करना, कि कौन है तुम्हारा आराध्य, या ध्यान लगाते समय, ध्यान कई प्रकार का होता है, कोई त्राटक करता है, कोई आलंबन के साथ कोई करता है, कोई बिना आलंबन के साथ करता है, किसी को जो है वो प्रकृति में ध्यान लगाना पसंद है, किसी को जो है ओंकार का ध्यान पसंद है, आप उसकी वैरायटी तय करना शुरू कर दो। अब आप देख रहे हैं कि पहले अपने आपने विचारों को फैलाया, और फिर धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं आप, कंक्रीट करने चले, आपके विचार जो है वो स्पंदन करना शुरू कर देते हैं, और जब आपके विचार स्पंदन करना शुरू कर देते हैं, जब वो मूवमेंट यानी वाइब्रेंट हो जाते हैं, सो देन यू कैन कर, जिसे
कहते हैं कलेक्टिंग द कोर, यानी अब आप विषय का कोर पकड़ना शुरू कर देते, यानी आपको अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी विचार को फैला सकते हैं निबंध में और अपने विचार को संकेंद्रित कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. नाउ यू हैव एबिलिटी टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ये कहने से नहीं आता, ये करने से आता है. देखा आपने अपने विचारों को. अब मैं इसी विचारों को कितने भी अगर मैं आपको कॉपी में दे दूं या घर जाकर करना, इसको स्प्रेड करके देखना. एंड दैट इज द डिफरेंस जो अभी एक घंटे पहले हमने शुरू किया था और अब मैं यहां हूं. एंड इसको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. बट इट इज ऑल अबाउट स्किल. और साइकिल कैसे चलाई जाती है मैं इसके व्याख्यान दे दूं, इसके वीडियो दिखा दूं, साइकिल चलाना आप सीख नहीं पाएंगे. अनटिल अनलेस जब तक आप साइकिल पर नहीं चलते. क्लियर है? गिरोगे, चोट लगेगी, लेकिन क्या होगा, साइकिल सीख जाओगे. और मैं आपसे लाख आपको प्रवचन देता रहूं कि भैया साइकिल जो ऐसे चलती है, फ्रिक्शन ये होता है, सेंटर ऑफ इनर्शिया ये है, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, नहीं सीख पाओगे. सो दिस इज लाइक साइकिल चलाना. डू एंड लर्न. मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, अंतर तुम्हें दिखा दिया. अब आप क्या होगा, आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने विचारों को जितना चाहे, अभी इसी को आप प्रैक्टिस करके घर पे देखना, इसकी डबल ब्रांच ना हो जाए तो कह देना. आपके विचार, आपको आश्चर्य होगा कि आपके दिमाग में इतने विचार थे, वो क्या हुए. अब आपने एक चीज नोटिस कर रहे थे, आप बोलते जा रहे थे और विचार अरेंज होते चले जा रहे थे. अब इसी खुशी को मैं यहां हटाकर कृषि क्षेत्र रख दूं, मैं इसको हटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र रख दूं, मैं इसको हटाकर जो है भारत की संवैधानिक व्यवस्था रख दूं, और मैं इसको हटाकर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था रख दूं. अभी आज की डेट में आपने भले चाहे इकोनॉमी ना पढ़ी हो, लेकिन मैं यहां गारंटी के साथ कह रहा हूं कम से कम 20 पॉइंट आप मेरे सामने रखोगे, मिनिमम 20 पॉइंट यहां रखोगे और आप रख के दिखाओगे. ये मैं नहीं करूंगा, ये आपके दिमाग में है. बस अब आपके दिमाग ने क्या किया, एक तार पकड़ ली कि मुझे अपने विचारों को निकालना कैसे, सामने रख दो. क्योंकि विचार जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, ठीक है, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये तेजी से आते और जाते हैं. लेकिन जब आपने इसको यहां रख दिया तो आपने अपने अमूर्त विचारों को, जो अनस्ट्रक्चर थॉट्स थे, उनको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मूर्त में. यानी अब एक एक जो जो आता जाएगा वो क्या होगा, कॉपी के पन्नों पर आता जाएगा. और आपका न्यूरॉन्स बिल्कुल इसी तरह बिहेव करता है, वो मल्टी डायमेंशनली क्या करता है, अपने जो नोट्स होते हैं उनको रन कराता रहता है. और अब आप क्या हुआ, अपने न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग थिंकिंग करो. और जैसे ही आप अपने न्यूरॉन के अकॉर्डिंग थिंकिंग कर रहे हो, आप उसके साथ निकलना शुरू करोगे. चलो छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं. एग्रीकल्चर वर्ड लिख देते हैं, कृषि 90 नंबर लगभग जो है कृषि क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, जीएस पेपर 3 में भी, एसए में भी. मैं एग्रीकल्चर या कृषि के बारे में बात कर रहा हूं. चलो शुरू कर दो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा. आई एम जस्ट राइटर. बोलो कृषि क्या है, जो तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहा है उनको संकेंद्रित करो, यहां पर लाओ, फैलाओ उसको पहले. बोलो कृषि को सबसे पहले क्या करोगे, अपनी आंखों को इंट्रोवर्ट करो और पहले कृषि की पिक्चर को लेकर आओ. यहां से नहीं देखना है, कहां से देखना है, आज से यहां से देखना है. एग्रीकल्चर देखा है कभी, कभी खेती किसानी, किसान गरीब, ये कहां से आए हो, वाकई में पीके हो क्या भाई, तो उंगली उंगली पकड़ लो भाई, क्या करोगे उससे ज्यादा, ज्ञान ग्रहण कर लो. हाँ चलो सबसे पहले हम अपने पिछले दोस्त, हाँ दोस्त बोलो. चलिए बहुत बढ़िया, किसानों के लिए आय का, चलो आ गया, भोजन का स्रोत, वाणिज्यिक, ठीक है, नेक्स्ट रोजगार का. अरे सबसे बढ़िया क्या है, 55% आबादी हमारी जो है वो एग्रीकल्चर में रोजगार पाती है. और चलो व्यापार वाणिज्य एक साथ आ गया, और आयात और निर्यात, बहुत बढ़िया. भारत का विदेश व्यापार, बुद्धि लगाओ, सब अभी आ जाएगा, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा. हाँ बोलो, सोचो, आदत खराब है, सोचने की बात कहाँ आती है. हाँ यानी कि नेक्स्ट साइकिल को निकलाना, बीज पैदा करना, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश. अर्थव्यवस्था का आधार, किस तरह का आधार, ठीक, कृषि, एक और आपको जो मैन्युफैक्चरिंग को ये देगा, कृषि इक्विपमेंट्स, यानी कृषि जो है वो औजार, ट्रैक्टर XYZ मशीन्स, ठीक है. अरे वाह, महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए, और द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा, हाँ बेटा
अरे सबसे बढ़िया भैया, कितने उद्योग हैं जिसके लिए ये क्या करता है, बेसिक काम करता है, बिस्किट खा रहा है, लेकिन आटा कहाँ से आएगा भैया, गेहूं से आएगा ना, और गेहूं कहाँ से आएगा किसान से, तो ये क्या है, उद्योगों का आधार है। बहुत बढ़िया, खाद्य सुरक्षा, शाबाश। और हाँ पर्यावरण, अरे वाह किसने लिया नाम, जैव विविधता, बहुत बढ़िया, जैव विविधता, बीजों में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है, जैव विविधता, बहुत बढ़िया। गुड, पशुधन अर्थव्यवस्था, बिना उसके काम ही नहीं करेगा, चारा कहां से लेकर आओगे, ठीक है। और हाँ कौन सी, ईट, ईट, खाद्य सुरक्षा, हाँ कीड़ों से जो है, अब ये चैलेंजेस में जाना चाहिए, क्या कृषि सब कुछ अच्छा ही है, तो क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं क्या है, हाँ एक एक करके, मेरा दिमाग एक एक करके डिकोड कर पाएगा, हाँ सबसे बढ़िया, उपजाऊ क्षमता, पर्यावरण को नुकसान है, जो हम जो लगातार पर्यावरण को नुकसान, ये डिग्रेडेशन है, सिंचाई, भूजल, रसायन, ठीक है, और मृदा का स्तर, उपजाऊपन, हाँ निम्न आय, कर्ज, प्रचंड बेरोजगारी। अब ये बताओ प्रभु, बहुत है मैं समझ गया, ठीक है अभी कृषि पर तुम्हें लिखने के लिए बोल देता तो शायद तुम 10 मिनट में भी इसके जो है वो 1/4 पॉइंट भी नहीं लिख कर लाते, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग से अपने आप आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे आपके दिमाग में विचार पैदा हो रहे थे आप उसको क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट करते जा रहे थे, और आपकी आंखें उसको एनालाइज कर रही थी, ये पॉइंट हो गया, अब अगले पॉइंट के लिए मुझे प्रोसेस करना है, लेकिन जब आप लीनियरली उसको जो है वो उठाते हो तो आपका दिमाग क्या करता है, उसी लाइन के आसपास स्टक होकर रह जाता है, केवल उसी को स्कैन करता है। और अब मैं तुमसे ये बात कर दूं कि अगर मैं तुमसे ये पॉइंट तुम्हारे सामने रख देता हूं या तुम्हारे दिमाग के अंदर कैपेसिटी के पॉइंट्स को जो है अपने दिमाग में अरेंज कर लो, क्या इसको कॉपी में लिख नहीं सकते कि हमारी कृषि इसलिए उपयोगी है, हमारी कृषि के सामने ये प्रमुख समस्याएं, बताओ इसके लिए तुम्हें ग्रामर कहां से सिखाई जाएगी कि तुम्हें यह लिखना है, अगर इसमें हमारे देश में भूजल का स्तर गिरता चला जा रहा है और अगर मैंने भूजल के आगे जो है डाउनवर्ड साइन लगा दिया है तो क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि भूजल का स्तर गिरता चला जा रहा है और यह किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, किसानों के लिए रसायनों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान है, यह नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ जाएगा। सवाल है कि आप कॉपी में क्या लिखोगे, आप कॉपी में डायमेंशंस लिखते हो, एक हो गया कि भाई आज किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, किसान जो आत्महत्या कर रहा है ये कर रहा है, और एक हो गया कि आपने सिर्फ पॉइंट्स भी बना दिए, उपजाऊपन की कमी, पानी की समस्या, भूजल का गिरता स्तर, पर्यावरण को नुकसान, उसका जो है रसायनों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है, और प्रचंड बेरोजगारी, उसकी आय का कम होना, मृदा के स्वास्थ्य का गिरता चला जाना। तो एग्जामिनर जो है वो डायमेंशंस देख रहा है कि तुम एक समस्या को या एक किसी बात को कितनी तरीके से इंटरलिंक कर सकते हो। पांच स्टेप बताए थे, इनका ये कहना है कि क्या इस तरह हम आंसर लिख सकते हैं, पहले क्या मैंने बताया था, पहला स्टेप क्या था, दिमाग जो है प्रोसेस पांच चरणों में करता है, पहला चरण आप सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, अरे भाई सीधी सी बात है, अगर सूचनाओं को प्रॉपरली ग्रहण करोगे तभी तो उसको होल्ड करोगे, और जब उसको होल्ड करोगे तब तीसरे स्टेप में क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे, और जब उसको एनालाइज करोगे तब तो जाकर आंसर लिखोगे बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू एसेस द इंफॉर्मेशन एंड हाउ कैन यू होल्ड देम। सूचनाएं जितनी ज्यादा होंगी, जितनी मल्टी डायमेंशन होंगी, आपको चूज करना है। अगर उसने पूछा ही नहीं, अगर ये पूरे कहानी पूछ रहा है कृषि की समस्या क्या है, अब आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हो ना, ये कृषि की समस्या है,
अगर वो पूछ रहा है कि भारतीय कृषि का वाणिज्य और व्यापार का योगदान, तो आप उसको अपने आप से क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन सवाल है कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। वो हो सकता है कि कृषि और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कह दे, तुमसे ना व्यापार पूछे ना खाद्य सुरक्षा पूछे, है कि नहीं है, और तुमसे वो डायमेंशन पूछ ले कि कृषि जो है, आज की जो कृषि है वो किस प्रकार पर्यावरण की हितैषी है या उसकी नुकसानदायक है। अब आपको दोनों संबंध स्थापित करने हैं। सो फर्स्ट कंप्लीट योर थ्री प्रोसेस, देन गो फॉर द फोर्थ प्रोसेस। आई एम टेलिंग अबाउट द फर्स्ट थ्री प्रोसेस, हाउ कैन यू एसेस योर इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन यू होल्ड इन्फॉर्मेशन, एंड हाउ कैन यू एनालाइज द सिचुएशन। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि आज की जो कृषि है वो पर्यावरण हितैषी है या पर्यावरण विरोधी, चला के मारूंगा अभी, मैंने पहले बोला था ना, हाँ ना ना, सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया और भारत में जैविक खेती तेजी से बढ़ रही है, तो आप अगर एक तरफ से स्पष्ट कह देंगे मैं आपकी बात को काट दूंगा, और अगर आपने कहा कि नहीं पूरे देश में जो है पर्यावरण हितैषी है तो मैं आपकी बात काट दूंगा, क्योंकि फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है देश में, और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कई राज्य ऐसे हैं जो 4:2:1 की बजाय एनपीके की बजाय 32:8 पे एनपीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब भारत में रासायनिक खादों का क्या हो रहा है, प्रादुर्भाव बढ़ता चला जा रहा है। आपको ना यहां हां बोलना है ना यहां ना बोलना है, आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है। जब मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा और इसका जब मैं जवाब दे रहा था, तो मैं इसके दोनों पक्षों को अपने दिमाग में एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा था, जैविक खेती को भी और पर्यावरण हितैषी खेती को, जिसमें हम सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिपिंग सिंचाई, ये क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, नहीं। और दूसरी तरफ मैं उस डाटा को भी एसेस कर रहा था जो देश में बता रहा है कि खादों का, कीटनाशकों का जो व्यापार किस प्रकार बढ़ता चला जा रहा है। मैं दोनों को एसेस करूंगा और दोनों को एसेस करके जो है जो संतुलन स्थापित करना होगा अटमोस्ट में वही करूंगा। ये होता है यूपीएससी का सही एस्पिरेंट, उठाकर जो पहला बात दिमाग में आ जाए बिना प्रोसेस किए उसको उठा के उगल के चले आओ, वो भी तुम्हें वापस, तुम्हारी उल्टी वापस कर देगा, बोलेगी इस साल नहीं अगले साल, ठीक है। बहुत ही बारीक ये संतुलन होता है। वो लोग कुछ अलग नहीं होते जो यूपीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, बस उनका जो ट्रेनिंग होती है, उनका जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, बस यही माइंडसेट है आपका। व्हेन यू हैव द इंफॉर्मेशन आप इसको बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी आपको काम करना है वो क्या करना है, इंफॉर्मेशन को मल्टी डायमेंशनली अरेंज करना है, कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन को। जब तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ हो, मैं सबसे पहला आज जो प्रयास कर रहा हूं, अपनी क्लासेस को ऑप्टिमम कर लो। जब इस दरवाजे से बाहर निकलो तो तुम्हें तुम्हारी क्लास तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, उसके नोट्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे। नोट्स हर जगह बिक रहे हैं, अब तो फोटोकॉपी मशीनें इतनी है कि वो कॉपी करके शाम तक पहुंचा देती हैं। वो यहां होना चाहिए सिर्फ यहां, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एक ही चीज जाएगी और वो ये है। अगर यहां नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार है। और क्लासेस जो होता है वो टीचर का एक्सपीरियंस, उसकी मेहनत का निचोड़ होता है। हर वो 2 घंटे या 3 घंटे जो आप यहां बिता रहे हैं वो आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। वो आप दिन भर जो पढ़ेंगे उससे कहीं ज्यादा आपकी इस क्लास में आपको निकल कर आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप उन घंटों को बेकार करते हैं, आप नींद में होते हैं, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, आपके साथ ये चलना चाहिए, ठीक है। तो डन, आज के बाद जो है जब भी आप क्लास में बैठे, कोई सेमिनार हो, कुछ भी हो, आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर दिए इस वे में। और अगर उसी समय आप महसूस करेंगे आपके दिमाग से खुद जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, आपके किसी टीचर ने कुछ और बताया था, वो अपने आप अभी देखा आया कि नहीं आया, इसमें से एक भी पॉइंट मैंने बताया है, मैंने एक भी पॉइंट इसमें पढ़ाया है, ये आपकी अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। और अभी मैं कह देता चलिए कृषि पर ऐसे लिखिए, भी पसीने छूट जाते लिखने में, लेकिन ये आपने बताया। और अभी मैं आपको 5 मिनट और मौका दूं तो शायद ही कृषि में कोई डायमेंशन ऐसा होगा जो बच जाएगा, सब आप खींच के निकाल के लेकर आओगे। ये आपके अंदर है, ये विश्वास आप करना सीखिए, उसको हमें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। सेकेंड स्टेप में जो आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आप इन चीजों को अरेंज करना शुरू कर देंगे, जैसे आपने ये उठाया आज, आप कोई भी मान लीजिए आज पेपर में, न्यूज पेपर में कुछ भी आया भारत चीन के बारे में या किसी भी बारे में, आप सबसे पहले उस पॉइंट को लिखने के बाद जो आपके पास इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करना शुरू कर दिए। अगर आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में थोड़ी सी भी दिक्कत कर रहे हैं तो आप कुछ सहारा लीजिए। उस सहारे में सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहला कुछ प्रश्न पूछिए कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, राइट, ये कैसे डेवलप हुआ, इसका कारण क्या है, कहां है ये, ठीक है, किस लिए है, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब,
बेसिक इंफॉर्मेशन आप गैदर करना शुरू कर दिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बेसिक इंफॉर्मेशन में भी जाएंगे, सर प्रीएम्बल क्यों पढ़ा रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, प्रीएम्बल पढ़ा रहे हैं, प्रीएम्बल क्यों पढ़ा रहे हैं, प्रीएम्बल का जो इतिहास क्या रहा, आप अपने पूरे क्लास में हमेशा जो है वो क्या करिए, क्वेश्चन अपने दिमाग में पॉपअप करते रहिए। सर ने बताया कि देखिए भाई 1935 में ऐसा ऐसा हुआ, फिर संविधान सभा में ऐसा हुआ, तुरंत आप ये क्वेश्चन सुनिए मत, उसको अपने दिमाग में एनालाइज करते हैं, सर ने ऐसा क्यों बताया, ये संविधान सभा का निर्माण क्यों हुआ, अपने दिमाग में क्या करिए, उसको क्वेश्चन को घुमाते रहिए। 2 घंटे बाद आपको जो है वो आपका चेहरा जो है निचुड़ जाएगा, अगर आप 2 घंटे इस क्लास में इस वे में पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे में आपको ऐसा लगेगा आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, इतना आपका माइंड जो होगा एंगेज हो चुका होगा। लेकिन ये बात तय है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन आपको टीचर देता चला जा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को आप ब्रेक करना शुरू कर दोगे, और जब आपके पास ब्रेक करने की क्षमता आ जाएगी तब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो जो पहला स्टेप है, आप क्या करोगे, क्या क्यों कैसे कब कहां किस लिए, इन क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में क्या करोगे, मतना शुरू कर दोगे। जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं टीचर, जो कुछ बता रहा है, अच्छा ये बताया, इसके साथ जोड़ोगे, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे, कॉपियों में उसी वे में लिखते चले जाओगे। वो एक फ्लो चार्ट हॉरिजेंटल यानी इस तरह का एक पेज बनाओगे और उसमें जो भी होगा क्या करोगे, वो घोंसते चले जाओगे। ठीक है, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है पेंसिल से उसको आप बनते हो। पेंसिल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिटाकर कुछ देर बाद जब उसको एनालाइज करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये बात और ये बात दोनों क्या है, कॉमन है, और आप क्या करोगे, दोनों को मर्ज कर दोगे। इसके बाद जो अगला चरण आता है, जब आपका ये दोनों चरण पूरा हो जाएगा तो तीसरे चरण में आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा इन दोनों को रिवाइज करूं, जैसे आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने से पहले, जैसे आज आपको बताया गया कि ये टीचर आपको आज ये पढ़ाएगा, ये आपके सामने न्यूज़पेपर रखा हुआ है या आपके सामने कोई भी बुक है, सपोज दैट आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत या XYZ, तो सबसे पहले एक पेज लोगे और उस पेज पे कि मैं ये बुक क्यों पढ़ने जा रहा हूं, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, इन चैप्टर्स का टारगेट क्या है, इन चैप्टर्स से मैं क्या सीखूंगा, उसमें आपने एक बार हेडिंग जो है उसको एनालाइज करना शुरू किया, हेडिंग्स आपने देख ली कि इसमें ये दिया था, पहले चैप्टर में संवैधानिक विकास है, दूसरे में जो है संविधान प्रस्तावना है, संविधान सभा का निर्माण है, ये आपने क्या किया, पूरा का पूरा एनालाइज कर दिया। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रस्तावना को पढ़कर मुझे क्या हासिल होगा, प्रस्तावना क्यों बनाई गई थी, ठीक है, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, ये सब क्या करोगे आप, पूरे इसको क्वेश्चंस को पहले अपने सामने एक पेपर पे बना लोगे। आप ये करके देखना कितना आपको जो बेनिफिट होगा, इसका थॉट मैप आप बना लो कि क्यों है, कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जितना कॉन्क्रीटली सेट हो जाएगा, आप जैसे पढ़ते जाओगे आपकी किताब से इन्फॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगी, वो निकल आप खुद ही निकालना शुरू कर दोगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये इस क्वेश्चन को मैंने यहां रखा था। और इसके बाद का जब स्टेप ये तुम्हारी आदत का हिस्सा हो जाएगा, इसके बाद इसको और ज्यादा हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात अगर हम एक्स पूछ रहे हैं तो बहुत सिस्टमाइज तरीके से अपने दिमाग में, लेकिन ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, जहां पर आप पहले दोनों स्टेप पूरा करने के बाद फिर यहां इसको आदत में लेकर आओ। सबसे बड़ी बात, विषय क्या है बात करने का, किस विषय में बात हो रही है, ठीक है, यानी टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, उसको तुरंत कहोगे आज सर प्रीएम्बल में बात करने जा रहे हैं। अपने अपने आप से संवाद करो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप क्लास में क्या हो रहा है, तुरंत जैसे सामने की तरफ देखते रहो, आंखें आपकी बाहर की तरफ खुली हो लेकिन आपका दिमाग में क्या हो रही हो, वो पिक्चर्स बन रही हो, आप करके देखना 2 घंटे में आपकी क्या हालत हो जाती है। तो जैसे ही आपने टीचर ने बताया, आपके अपने दिमाग में विजुलाइज करो, मेरे दिमाग में एक व्हाइट बोर्ड बना हुआ है और मैंने पहला नोट्स में क्या डाल दिया कि सर आज जो है प्रीएम्बल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो नाउ टॉपिक इज प्रीएम्बल। सर ने अपनी बात शुरू की कि भैया ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी बातें थी, आपने क्या किया पिक्चर के फॉर्म में उसको अरेंज करना शुरू कर दिया, सर ने बताया कि 1935 में ऐसी बात हुई थी, फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है, तो आप मोतीलाल को जो है वो क्या करोगे पिक्चराइज करोगे कि वो कैसे दिखते थे और क्या हुआ, फिर उसको आप अरेंज करना शुरू करोगे और दिमाग में ही आप एरो बनाना शुरू करोगे कि मोतीलाल से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से फिर आप जो है वायसराय, वायसराय से फिर ये गया, ये चैलेंज आया, फिर 1947 में हमारे पास ये चैलेंज, अपने दिमाग के अंदर उस व्हाइट बोर्ड के साथ रखते जाओ। अगर टीचर कुछ लिखा रहा है तो साथ साथ लिखो, लेकिन जब वो बोल रहा है तो क्या करोगे, ये आपकी आंखें सिर्फ खुली हो या उसको आप बंद भी कर सकते हो, जो टीचर बोलता जा रहा है उसको अपने व्हाइट बोर्ड में, अपने दिमाग के व्हाइट बोर्ड में उसको क्या करो, निशान बनाते जाओ, और अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो आप कॉपियों में क्या करो, जो अभी मैंने तरीका बताया उसको कॉपियों में बनाना शुरू कर दो, फ्लो चार्ट में बनाना शुरू कर दो या थॉट मैपिंग बनाना शुरू कर दो। वो इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं होनी चाहिए क्लास से, वो पेंसिल लो और पेंसिल से क्या करो, सर ने ये बोला ड्रॉ करते चले जाओ, और कोशिश करो उसमें कम से कम वर्ड्स यूज होने चाहिए, कम से कम वर्ड्स, तो सिंबल्स क्या करोगे इस्तेमाल करोगे, और सिंबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा किसका जो है वो ऊट पटांग सा चित्रण क्या हो सकता है, ठीक है, इसका सिंबल क्या बन सकता है, और जैसे तुमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया नींद आने की समस्या तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, नींद आने की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, किसी भी चीज का एक क्रमिक इतिहास होता है, ठीक है, क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस होता है,
क्रमिक इतिहास होता है, बिना इसके ये चीज डेवलप नहीं हो सकती, चाहे तुम हिस्ट्री में पढ़ो चाहे तुम ज्योग्राफी में पढ़ो। तो सबसे पहले बात कहां से शुरू हुई, वेयर, ठीक है, इसके बाद इसका जो है वो उद्भव या उसका जो है विकास की प्रक्रिया क्या रही, ठीक है, ये विकास कैसे यहां तक कैसे पहुंचा, अगर आज हम प्रीएम्बल बना रहे हैं, आज हम संविधान बना रहे हैं, तो यहां तक कैसे आया, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, क्रमिक विकास में। जैसे अगर गांधी को ये आंदोलन छोड़ते हैं तो आंदोलन के लिए जो है वो कहां से उन्होंने शुरुआत करनी शुरू की थी। तीसरा चीज होता है बिना कारण के जो है वो कोई काम नहीं होता, रीजन क्या था इस बात को कहने का, ठीक है, वो रीजन आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज द रीजन कि भाई अगर भारत चीन के बीच आज वार्तालाप हो रही है, भारत SCO का मेंबर बन रहा है, तो उसके क्या कारण हैं, चाहे वो भू राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, और चाहे वो समसामयिक किसी भी और कारण के हिसाब से इसको रखा गया। आप रीजन आइडेंटिफाई करोगे कि अगर भारत और चीन ये कह रहे हैं कि हमें जो है अपने सीमा विवादों को भूलकर अपने आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आर्थिक रिश्तों में आगे क्यों बढ़ सकते हैं, भारत एक बहुत बड़ा जो है युवा जनसंख्या है और एक बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है, और चाइना जो है वो क्या है, आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग या सबसे बड़ा जो है वो प्रोड्यूसर है, तो ऐसी कंडीशन में उसको भारत की बहुत बड़ी आवश्यकता, और भारत को भी चीन का सस्ता सामान चाहिए ही चाहिए, वो कारण ढूंढोगे। उसके बाद ये प्रक्रिया तय करोगे कि भारत और चीन जो है वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, या अगर एक दूसरे के साथ खिलाफ जा रहे हैं तो उन प्रक्रियाओं के क्या क्या सेगमेंट है, यानी प्रोसेस को आप आइडेंटिफाई करोगे। रीजंस के बाद आप किसको आइडेंटिफाई करोगे, प्रोसेस को। उसके बाद इस पूरी बात का जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, आप ये आइडेंटिफाई करोगे। अगर भारत और चीन एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा, और एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं तो क्या इसमें निकल कर आ सकता है। और इसके बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है, जहां पर आप इस बात को और जो है वो गहराई तक लेकर जाओगे, सिग्निफिकेंस के बाद आप देखोगे कि इसमें व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनैलिटीज हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन इसको ले रहा है, भारतीय सचिव है, प्रधानमंत्री है, या जो है विदेश मंत्री स्तर की वार्तालाप है, या कोई भी अगर सेगमेंट है तो कौन कौन से व्यक्तित्व इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इसका मूल्यांकन करते हैं। जब आपके पास ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं तो आप इस चीज का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना, क्या ये चीज अच्छी है, क्या ये जो है वो चीज बुरी है, क्या ये चीज जो है वो निष्पक्ष रह सकती है, ठीक है, गुड बैड न्यूट्रल जो भी आपको पता लगाना है मूल्यांकन करोगे। लेकिन मूल्यांकन इतने प्रक्रिया के बाद आता है, जब आप उसके महत्व के लिए परिचित हो जाओगे कि हाँ भाई ये जो है वो महत्व है इसका, ये प्रक्रिया, ये कारण, ये इतिहास और ये विषय है, तब तो आपके पास कौन सी क्षमता आ जाएगी मूल्यांकन करने की। यही है आपका मेंस, यही आपका इंटरव्यू, ठीक है। और अगर उस बात के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात है तो उसकी डिफिनीशन या उसकी परिभाषा के बारे में आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे आज आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं कि भाई देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, तो आप उसकी प्रक्रियाओं को जानने की पहला है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते किसको है। अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि भारत को जो है वो एक सुरक्षा आधारित समाज से हटाकर जो है वो एक वेंचर समाज में, यानी जहां स्वउद्यमिता और जो है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ना चाहिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्वउद्यमिता को बढ़ाने के लिए वेंचर कैपिटल की बहुत आवश्यकता है। तो वेंचर कैपिटल कहते किसको है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को एंजल इन्वेस्टर्स की बहुत जरूरत है, तो एंजल इन्वेस्टर कहते किसको हैं, पहले आपको इसके विषय में पता होना चाहिए। जितना ही आपने जिसको जान लिया, पीटी आपका निकल जाएगा, क्योंकि पीटी के ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं धारणाओं पर आधारित होते हैं जो पूरे एक बहुत बड़ी खबर बन जाते हैं। उन खबरों की वो मूल बातें पीटी होती है, प्री एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, कि भैया बहुत ज्यादा चर्चा में रहा कि जो है वो लेंडिंग रेट्स, बार बार RBI कह रहा है कि लेंडिंग रेट्स ऐसे होने चाहिए, लेंडिंग रेट से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जो है परिभाषा वो सही होगी, वहीं पर आपकी हालत खराब हो जाती, क्योंकि आपने पढ़ी तो बहुत बड़ी बात आती थी, सूक्ष्म बात आपसे रह गई। तो अगर आप इस हॉलिस्टिक वे में जाते हैं तो आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू ये एक सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, और आप इसको जो है मथना शुरू कर देंगे। So, अगर ये आपका अगला स्टेप है, जब आप कोई बुक पढ़िए इस वे में पढ़िए, जब आप कोई जो है नोट्स बनाइए, अखबार पढ़िए, तो आप इस वे में पढ़िए, ठीक है। मैं इसी वे में अपनी पढ़ाई करता हूँ, इसी वे में जो है वो अपनी बात कहता हूँ। तो अगर मुझे भी कोई चीज पढ़नी होती है तो मैं ऐसे पेपर उठाता हूँ, भाई क्या टॉपिक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, और जब उसको ये धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस में आ गई कि मुझे इसके लिए अपनी बार बार जो है वो कॉपी में बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है, दिमाग उसको उठा लेता, अच्छा ये प्रोसेस है, ये रीजन है, ये इसका जो है इवैल्यूएशन निकल कर आ रहा है, और दिमाग में सेट हो जाता है। अगला कोई आर्टिकल पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में हुक बना रहता है कि मैंने उस वाले अखबार में ये आर्टिकल पढ़ा था और इसमें ये बात कही गई थी, यहां पर उसका काउंटर कर रहा है, यहां पर दूसरी बात कह रही है, तो ये दोनों डायमेंशन मेरे पास रेडी हो गए और मैं आप लोगों को आके दे देता हूं। तो पहले ये कॉपियों में बनाइए, अपने जो है दीवार के सामने रख लीजिए इसको चिपकाकर, इसके बाद धीरे धीरे इसको आदत में लेकर आइए, 5 से 6 महीने बाद ये आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और अब तो मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं कॉपी को जो है वो हॉरिजॉन्टली लिखता हूं, सबसे पहले जब मुझे कोई मीटिंग करनी होती है, जब मुझे कोई बात करनी होती है, या किसी टॉपिक पे कोई सोचना होता है,
मैं ऐसे ही अपना पेपर पे शुरू करता हूँ, मैं क्या टॉपिक है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैं इसको कैसे लेकर जा सकता हूँ। इवन दो मेरे जो मोबाइल के स्क्रीन शॉट्स हैं, मतलब जो वॉल पेपर है, वो ऐसे बना बना के उसके स्क्रीन शॉट लेकर उसको मैं वॉल पेपर में सेट करता हूँ। भाई मुझे अभी ये करना है, इसके 6 महीने बाद मुझे ये करना है, इसके 6 महीने बाद मैं वो पूरा जो है डायमेंशन बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले बाई हैंड आप बनाना शुरू करिए, इसके बाद आप सॉफ्टवेयर पर जाइएगा, इस पर आप काम करना शुरू करिए। ये आपकी रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाओं को ये बदलने की क्षमता रखता है वाकई में, लेकिन ये तब है जब आप इसको अपने हैबिट में लेकर आओ। टर्न, अब मैंने आप लोगों को एक पेपर दिया है, ठीक है, इसमें 3 अखबारों के जो है वो सेगमेंट हैं। मैं चाहता हूं इसके साथ वही करिए जो भी मैंने आपको सिखाया है। मैं आप लोगों को 10 मिनट का समय दे रहा हूं, ये 3 खबरें हैं और आप मुझे जो है इसका कर लिया आप सभी ने, चलिए हाँ गुड, देखते हैं, देखते जा रहा हूँ, समझ गया हूँ, गुड 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 गुड, बढ़िया। अब तुम्हें बताता हूँ आप लोगों ने जो बनाया उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। आप लोग जो है वो एरोज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला नियम ये होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो उतनी ही होनी चाहिए जिसपे आप जो है विषय पे बात करने जा रहे हैं। आपका जो अखबार था, ये अखबार में मान लीजिए आज कोई खबर आई थी, ये सिंपली उसके बारे में, आप लोगों के पास भी ऐसे न्यूज़ आती होगी, ठीक है, ऐसे ही आप अखबार पढ़ते होंगे, कोई भी जो है न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अब इसमें जो है वो ग्रामीण संकट के विषय में बात है। आपने पेज के बीचों बीच में टॉपिक क्या लिखा, रूरल क्राइसिस यानी ग्रामीण संकट, यानी कि जैसे ही आप इसको जब लिखेंगे तो आप 1 सेकंड के लिए पॉज लेंगे और आप जो पूरा एक पिक्चर पहले से ही आप रीअरेंज कर सकते हैं। आप इस पे जंप करने के बजाय थोड़ी देर सोचेंगे कि इसका पूरा जो सेगमेंट है वो क्या है, हमारे रूरल डिस्ट्रेस है, जो हमारा ग्रामीण संकट है उसके बारे में बात हो रही है। ग्रामीण संकट का मतलब है तो ग्रामीण परिवार में, जो ग्रामीण परिवेश में जो सबसे बड़ा रोजगार होता है वो कौन देता है, एग्रीकल्चर दे रहा है, और इसके साथ साथ जो आर्टिसंस हैं, जो हस्तशिल्प है, इस तरह के लोग, ये सभी क्या है, संकट में। बात किस पे हो रही, संकट यानी क्राइसिस पे हो रही है। इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है उस पर बहुत हैप्पीनेस वाली बात नहीं आएगी, ये क्राइसिस के बारे में बात करनी, यानी अपना माइंडसेट आपने जो है रुक कर 1 सेकंड के लिए फ्रेम कर लिया कि आप एक गांव में हैं और वहां पर आप इस क्राइसिस के आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन में पढ़ने से पहले ही अगर मैं इस आर्टिकल को ना भी पढ़ूं तो ग्रामीण संकट के विषय में बात कर सकता हूं कि इसका मतलब खेती किसानी को लेकर बात हो रही है, और खेती किसानी को लेकर बात हो रही है तो इसका मतलब यहां पर वो पर्याप्त जो है इनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। खेती किसानी के पीछे जो जनरेशन का पीछे जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑप्टिमम काम नहीं कर रही हैं, दूसरा सिंचाई का संकट हो सकता है, तीसरा जो है उनकी आय के बारे में जो है वो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको जो है वो नहीं मिल रहा है, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, वो अपने सामान को सही तरीके से बेच नहीं सकते हैं, और जो इंटरवेंशन होना चाहिए था निवेश का यानी इन्वेस्टमेंट का वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक आपने क्या किया, एक पहले पूरी पिक्चर ड्रॉ कर ली, देन एंटर इनटू द टॉपिक। अब आपने टॉपिक में एंटर शुरू किया, तो ग्रामीण संकट के विषय में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां जो नियम नंबर 1 है वो ये होगा कि आप ब्रांचेस के ऊपर लिखेंगे और ब्रांचेस के ऊपर उतना ही लिखेंगे जितनी आप ब्रांच की लेंथ को ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप तीर खींचकर कोने में लेकर जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यू आर अकॉर्डिंग विद योर न्यूरॉन्स, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, अपने न्यूरॉन्स के साथ काम कर रहे हैं। कह रहा ग्रामीण देश के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से व्याप्त चिंता का विषय बन चुकी है, तो ठीक है, क्या बता रहा है कि यहां पर जो है निराशा है। ग्रामीण क्षेत्र में आय पर बढ़ रहे दबाव की यह पहचान है कि यहाँ मेहनताने से अत्यंत कम जो है दर जो है यहाँ पर मिल रही है, यानी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है मजदूरी। तो अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, यानी प्रेजेंट सिनेरियो, पहला जो आपका सेगमेंट है वो क्या बता रहा है, वर्तमान स्थिति। अब देखिए इतनी पूरी लाइन को मैंने सिर्फ एक बात में लिखा, क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो या स्थिति। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर पहली बात क्या है, निराशा है। क्या है ये, इट इज अ गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन, ठीक है, एक बहुत ज्यादा सैरो सिचुएशन है, निराशाजनक, ये पूरी लाइन लिखी है। अब मैंने पूरी लाइन को सिंपली एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, निराशा, ठीक है। क्या कारण है इस निराशा का, बोल रहा है कि यहां पर जो मेहनताना है, यानी जो उनकी मजदूरी है, जो भी वर्ड यूज करना चाहो, जो मजदूरी है वो क्या है, कम है। मैंने इसको केवल एक डाउनग्रेडेड एरो बना दिया, वो क्या है, मेहनत जो है मजदूरी कम मिल रही है, ठीक है। यहां पर जो देखने को मिला, इस वर्ष जनवरी तक औसत ग्रामीण आय वृद्धि में 3% की गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर जो है सवाल है कि कितनी, तो यहां पर कितना दे दिया, 3%, ठीक है, 3%, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। कह रहा है कि वृद्धि 2014 के बाद से न्यूनतम है। ये डाउनफॉल जो है वो कब शुरू हुआ, मैंने लिखा डाउनफॉल कब शुरू हुआ, तो यहां से बात हुआ कि 2014 के बाद से ही ये इट इज स्टार्टेड डाउनफॉलिंग, ये मैंने दिखाना शुरू कर दिया, 14 के बाद जो है यहां पर डाउनफॉलिंग आनी शुरू हो गई है। हकीकत में ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनताने में एक अरसे से ठहराव देखने को मिल रहा है। वर्ष 2014 के मध्य से अब केंद्र में जो है फलाना गवर्नमेंट आई है,
ठीक है, यहां पर इससे आपको मतलब नहीं कौन सी राजनीतिक पार्टी है, सवाल है कि हमारे लिए मुद्दा क्या है। काफी धीमी वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है, और इसके बाद से जो है 2007 से 2013 के बीच कह रहा है कि ग्रामीण आय में जो है वो बहुत जो है काफी ज्यादा वृद्धि हुई, यानी इसी में हम बात करेंगे 2007 से 2013 के बीच यहां पर क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि दहाई अंकों तक पहुंच गई थी, यानी डबल डिजिट पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद के सिनेरियो में क्या हुआ था, देन ये जो है वो डाउनफॉल करना शुरू कर दिया। मेरी पूरी बात यहां तय हो गई, ठीक है, यहां पर मैंने पूरा ये पैराग्राफ टच कर लिया। अब सवाल है कि अगले पैराग्राफ में कह रहा है आखिर ग्रामीण क्षेत्र की आय में ठहराव क्यों आया, ठीक है, तो अब मैंने दूसरा रीजन क्या बताया था, रीजन क्या हो सकते हैं इस पूरे सिचुएशन के, इस निराशा के रीजन क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या है। चार सालों में दो बार सूखा, ठीक है, यानी ड्रॉट कंडीशन, दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन। आगे लिखता है कि रिजर्व बैंक के आंकड़े ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो इनको आपको स्किप करते जाना है, ठीक है, आपको समझ में आया कि ठहराव क्यों है। अब आप किस पे बात कर रहे हैं, उस कारण को इस पूरे पत्र में अब मैं आगे भी पढ़ता जा रहा हूं कि भैया ये जो है पूरी बात नहीं कह रहा है, वृद्धि दर में पहले से शुरू हो गई थी, रिजर्व बैंक के आंकड़े जो है अभी प्रस्तुत किए गए, लेकिन इस आंकड़ों के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखने वाला अपनी मानसिकता के हिसाब से इसको लिखता है, आपको केवल अपने काम की बात ढूंढनी है। मैं इसको क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैं अब किस चीज पर काम कर रहा हूं, मुझे वो कारण ढूंढने हैं कि आखिर ग्रामीण संकट क्यों रहा, तो मैं अखबार में अब क्या करूंगा, उन कारणों पे अपनी नजर डालना शुरू करूंगा। फिर कहता है कि मुद्रा स्फीति में लगातार कमी का संबंध काफी हद तक ग्रामीण आय में ठहराव में है, यानी ये कह रहा है कि जो आरबीआई ने आंकड़े दिए थे, आरबीआई कह रहा है कि देश में इन्फ्लेशन क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, और इन्फ्लेशन कम होने का जो ये कारण बता रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रांचेस को आगे लेकर जा रहा हूं, इन्फ्लेशन का जो ये रीजन बता रहा है वो ये रीजन ये बता रहा है कि ग्रामीण आय यानी कि जो रूरल इनकम है वो क्या हुई है, कम हुई है। अब मेरे दिमाग में दो सवाल आएगा, अभी तत्काल ये काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे अपने टीचर से बात करनी कि सर इन्फ्लेशन को तो हम लोग अलग, महंगाई को अलग तरीके से देखते हैं, और ये कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन कम हुआ है तो क्या हुआ है, उसकी इनकम भी कम हुई है, तो इनकम और इन्फ्लेशन में क्या संबंध होता है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा, मुझे अपने टीचर से, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, टीचर से पूछना है। 2011 प्री का क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से इन्फ्लेशन में से हम किसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को अक्सर जो है किसके साथ जोड़ा जाता है, आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ा जाता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, ये 2011 आईएएस प्री का क्वेश्चन है, इन अखबारों से ही आप सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन तब निकालोगे जब आपके पास क्वेश्चन पूछने की सही प्रक्रिया होगी। मैं आगे बढ़ गया, ठीक है, आगे कहता है कि 2000 पहले से खाद्य उत्पादों की महंगाई ने कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पन्न वृद्धि उत्पन्न की, उसके चलते लोगों की आय में इजाफा हुआ, ठीक है, तो ये जो है दोनों आंकड़ों को कंपैरिजन कर रहा है, यानी यहां पर वही सी बात कर रहा है कि इससे पहले की सिचुएशन क्या थी, कि इन्फ्लेशन बढ़ी थी और लोगों की इनकम बढ़ी थी, ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े थे और उन पर निर्भर थे, ठीक है, तो इसकी वजह से, इनकी वजह से क्या हुआ, इस एग्रीकल्चर को हेल्प मिली थी। इसके बाद कह रहा है कि 2014 के बाद से निर्यात और आयात मूल्य का अनुपात कृषि क्षेत्र के खिलाफ हो गया। अगला सेगमेंट रीजन क्या बता रहा है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, आयात और निर्यात, वो क्या हुआ, वो विरोध में चला गया, कृषि क्षेत्र के विरोध में, किसके क्षेत्र के, मैंने कृषि को बना लिया, कृषि क्षेत्र के विरोध में चला गया, ठीक है, और गैर कृषि वस्तुएं कृषि उपज की वस्तुओं की तुलना में लगातार महंगी होती चली गई, यानी क्या हुआ, एक शिफ्टिंग हुई किसका, ये जो आयात निर्यात हो रहा था वो कृषि के सामानों की बजाय किस सामान की तरफ ज्यादा जा रहा है, गैर कृषि की तरफ, आप मोबाइल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो कृषि यंत्रों की बजाय, गैर कृषि की तरफ हो गया, इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कमजोर होने लगी। अगला कारण क्या रहा, इसकी वजह से क्या आया, जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई, क्रय शक्ति क्षमता कम हो गई, यानी वो मांग, अब दूसरा है कि पीपीपी अगर आपको समझ में आ रहा है, परचेसिंग पावर पैरिटी, उनकी क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, अदरवाइज आप यहां पर क्या करोगे, मुझे अपने टीचर से पूछना है कि क्रय शक्ति क्षमता किस प्रकार जो है वो मांग और आपूर्ति साइकिल को प्रभावित करती है, ठीक है, ये आप क्या करोगे, तत्काल यहां पर राइट डाउन करोगे। कह रहा और भी अन्य कारण है, अगले कारण क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैर कृषि ग्रामीण उत्पादन में मजबूती, ठीक है, यानी कि जो है वो आय के अन्य साधन क्या होने लगे, अन्य साधन
उपलब्ध हो गए। अगला कारण ये बता रहा है, ये इसमें कारण दे रहा है, कह रहा है कि गैर कृषि भी जो है वो इनकम मिलने लगी है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे, जैसे कि हमारे देश में विनिर्माण क्षेत्र श्रम की ढेर सारी मांग की खपत करता है, कौन कौन से साधन, कह रहा है कि जो विनिर्माण है लोग क्या हो रहे हैं वो कृषि से निकलकर किधर किधर की तरफ जा रहे हैं, विनिर्माण की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, विनिर्माण में जाने से क्या होगा, मान लो मेरे पास जगह है तो विनिर्माण में जाने की वजह से इसके क्या प्रभाव होंगे, यहां पर लिख दो इसके क्या प्रभाव होंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर कारणों में विनिर्माण के प्रभाव, तो क्या प्रभाव होंगे, वो कह रहा है कि यहां पर जो है वो इनकम जो है यानी कि वहां पर जो मेहनताना है वो क्या है, वो ज्यादा है विनिर्माण का, और कृषि में क्या है, कृषि में कम है, तो लोग किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कृषि से विनिर्माण की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र में जो कुशल रोजगार है, कुशल जो श्रम है वो डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, फिर मनरेगा के बारे में बात कर रहा है कि मनरेगा जैसी रोजगार योजना 2000 के दशक के मध्य से आरक्षित ग्रामीण तक प्रतीत रही है और आंकड़ों से पता चला इससे ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद मिली है। दूसरा कारण क्या बता रहे हैं, अभी पूरी बात को पढ़ोगे, हाल के वर्षों में मनरेगा के तहत प्रति परिवार काम के दिनों की लगातार कम हुई। कारणों के अगले हिस्से में क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो मनरेगा था उसने जो है वो ग्रामीण आय को बढ़ाया था, ग्रामीण आय बढ़ाया था, परंतु हाल के दिनों में क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में उस तरह आउटपुट नहीं आ रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में जिसका प्रभाव क्या हो रहा है, जिसके कारण कृषि आय कम हुई है, कृषि आय कम हो गई है। ठीक है, क्या हुआ, डाउन हो गई ग्रामीण आय। ठीक है, सुझाव क्या दे रहा है, तत्काल सुझाव यह दे रहा है कि सरकार को जो है वो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, सजेशन जो है इसके वो ये कह रहा है, और साथ ही साथ मनरेगा की मजदूरी क्या होनी चाहिए, तत्काल मिलनी चाहिए, काम के दिन क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, प्लस ये पूरा एडिटोरियल रहा। ठीक, पूरे एडिटोरियल को मैं क्या हुआ, एक आधे पेज में निचोड़ कर लेकर आया। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इसको रिवाइज करो, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग को लगाकर, इस समय मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था इसके साथ, ये आपने भी आपने इसके साथ साथ किया होगा, पढ़ता चला गया और कम से कम ये जो पूरा एडिटोरियल था दो पेज में, इसको मैंने क्या किया, इतने छोटे से पॉइंट्स में अरेंज कर दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर जब मैंने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, निश्चित ये थी कि आज जो मैं टॉपिक मेरा था वो ग्रामीण संकट के बारे में था। भारत में इसकी स्थिति बहुत निराशाजनक है, निराशाजनक इसलिए क्योंकि मजदूरी की दर जो है वो गिरती चली जा रही है। कितनी गिरती चली जा रही है, 3% गिरती चली जा रही है। सन 2012 के बाद की स्थिति है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है मुझे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ये भी साथ साथ कह रहा है कि 2007 से 2013 के बीच में जो है इसकी दर में लगभग जो है दोहरी वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो एडिटोरियल है वो ये कह रहा है कि इसके मेन रीजन, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण कह रहा है कि देश में लगातार जो है दो बार सूखा पड़ा और सूखे ड्रॉट की वजह से, चूंकि भारतीय कृषि, अब यहां पर तुम क्या कर सकते हो, इस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ सकते हो कि जो सूखा है वो हमारे देश में इतना प्रभावशाली, एक हो गया कि सूखा आपने बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में सूखे की स्थिति है क्या, यानी भारत में क्या कितनी प्रतिशत भूमि ऐसी है, कृषि है, जो अभी भी सिंचित, यानी कि जिसको जो हम लोग कहते हैं नहरों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तभी तो दिक्कत है। आप पूरे देश में नहरों का जाल बिछा दीजिए, अगर आपके यहाँ सूखा पड़ जाए तो कौन सी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, नहीं होगी ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 45% के आसपास की कृषि अभी भी किस पे डिपेंड है, मानसून। दूसरा यहीं पे क्वेश्चन पड़ता है, ये बार बार सूखा पड़ क्यों रहा है, क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा आप देखो, एक होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पॉपअप करना। हमारे देश में सूखा पड़ता क्यों, और इसके पीछे जाओगे तो भूगोल आ जाएगा और यह आएगा कि बार बार अल निनो का खतरा भारत के ऊपर विद्यमान है। अल निनो क्या होता है, ये बात की बात है, ये अपने टीचर से पूछोगे कि सर सूखा बार बार भारत में क्यों पढ़ रहा है, राइट और रॉन्ग। अब ये मत कहना कि अलिनो जो है एग्जाम में नहीं पूछा गया है, अलिनो लानिना, ठीक है, ये सारे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन को पॉपअप करना सीखो। इसके बाद अगला जो है जहां पर आप बात करोगे, सूखा पड़ गया भाई ये कारण, दूसरा बताया कि आरबीआई ने ये बताया है कि जो महंगाई मुद्रा स्फीति को जो है कम करने की जो बात हुई है इसकी वजह से ये हो रहा है कि इसका मेन कारण है कि ग्रामीण इनकम कम है। तो इन्फ्लेशन इनकम से कैसे रिलेटेड है, यानी आर्थिक समृद्धि से कैसे रिलेटेड है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो अपने टीचर से आप इसके विषय में बात करेंगे, एटलीस्ट आप अपने टीचर से पूछने लायक तो हो जाएंगे कि आपको पूछना क्या है। इसके बाद आप कहते हैं
तीसरा ये कहता है कि आयात निर्यात के बीच का जो संतुलन है, ये मैंने दोनों डायरेक्शन इसे बताया कि संतुलन स्थापित करने की बात हो रही है, ये संतुलन जो है वो पर्याप्त नहीं है। मिलाते जाना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने इसको खोला, इसको पढ़ा, यहाँ पर देख लिया। ये कह रहा है कि जो है वो कृषि क्षेत्र के विषय में इसमें काफी विरोध है, ठीक है, और ये जो है वो गैर कृषि क्षेत्रों के लिए ज्यादा जो है उसका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसका ओरिएंटेशन, इसका झुकाव जो है वो गैर कृषि क्षेत्रों के लिए है, कृषि क्षेत्रों के लिए आयात निर्यात पर्याप्त नहीं है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो गैर कृषि क्षेत्रों की तरफ ये झुकाव गया है, कृषि क्षेत्र में जो क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर पैरिटी है वो क्या हो गई है, घट गई है। अब सवाल ये है कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी घटते ही आपकी जो मांग करने की क्षमता हो जाती है वो क्या हो जाती है, निगेटिवली इफेक्टेड, यानी कि ऋणात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये भी बताएंगे कि आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से आय के अन्य साधन भी जो है वो पैरेलली उपलब्ध होने लगे हैं और कृषि से अधिक आय उसमें मिलने लगी है, उदाहरण स्वरूप विनिर्माण, विनिर्माण जहां मजदूरों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर उन मजदूरों को अधिक मेहनताना मिलता है कृषि क्षेत्र की अपेक्षा, तो वो माइग्रेट होकर कृषि क्षेत्र किधर की तरफ जम करेंगे, विनिर्माण की तरफ जम करेंगे, ठीक है, ये हमें जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र की एक बहुत प्रमुख योजना मनरेगा, जो कि एक जो है रोजगार गारंटी योजना है, उसका जो पेनेट्रेशन है वो उतना अच्छा अब नहीं रह गया है, इस दौरान ये काफी अच्छा था, इसी वजह से इनको मजदूरी पर्याप्त मिलनी शुरू हो गई। सुझाव के तौर पर ये कहा गया है कि मनरेगा में तत्काल मजदूरी दी जाए और काम के घंटों को क्या किया जाए, काम के दिनों को बढ़ाया जाए। इतना ही एडिटोरियल है ना भाई, इतना ही है ना, तो आप इसको रीड, राइट और रिसाइट तीनों एक साथ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने क्या किया, अगर आप पेपर को उस तरह पढ़ते, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आउटपुट नहीं आता, आप एक रीडिंग मानने से पहले मैंने क्या बताया, अब शांत से होकर उस सिनेरियो को एनालाइज करोगे कि मेरे दिमाग में एक ग्रामीण संकट कैसे आ रहा है, ठीक है, मैं इसको कैसे, मैं गांव में हूं, मेरे सामने कोई डिस्ट्रेस है तो ये कैसे है, जो कभी गांव नहीं गया एक दर्शन कराओ, भारत कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है, घूम फिर आओ, थोड़ा सा घूमना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप उस चीज को एक पहले अपना एक क्वेश्चनायर तय करोगे कि संकट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, और जो वो तुमसे कह रहा है, अब आप देखिए एक तरीका ये हो सकता था कि आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में क्या कर सकते थे, पूरे पूरे पॉइंट्स लिखते, मुझे उस एडिटोरियल को ब्रेक करने में कितना टाइम लगा, 7 to 8 minutes हार्डली, मेरे ख्याल से 8 मिनट यही लगा, दो एडिटोरियल आते हैं और आप कहते हो कि मुझे सर पेपर मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाता है पढ़ने में, खुद सोच लो, तुम्हारे सामने करके दिखाया है, तुम्हारे सामने, और जितने कहो एडिटोरियल उतने मैं उसको ब्रेक करता चलो, हार्डली 10 मिनट लगेगा, हार्डली 10 मिनट, और न सिर्फ मैंने एडिटोरियल ब्रेक किया, मैं अपने टीचर के लिए क्वेश्चन भी लेकर चला आया कि सर इन्फ्लेशन, ये 2011 का क्वेश्चन है, अलनीनो तो खैर ज्योग्राफी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, और इसमें मैं जितने चाहे क्वेश्चन ला सकता, अलनीनो के कारण क्या है, अलनीनो का मैकेनिज्म क्या है, अलनीनो की अपोजिट साइकिल क्या होती है, लानीना, ठीक है, अलनीनो भारतीय को वॉकर साइकिल क्या होती है, कि अलनीनो कैसे प्रभावित कर सकता है, अलनीनो का पर्यावरण से क्या संबंध है, क्या जलवायु परिवर्तन अलनीनो को प्रभावित कर सकता है, अलनीनो को मेजरमेंट करने के सिस्टम क्या है, इंडियन ओशियन डायपोल किसे कहते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और क्या कारण है कि भारतीय कृषि मानसून के ऊपर इतनी डिपेंडेंट है। आप इसमें राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को लेकर आ सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन आस्क। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, डिमांड साइकिल, डिमांड और सप्लाई साइकिल क्या होती है, डिमांड सप्लाई साइकिल अगर मैच ना करे तो उसमें क्या अंतर आ जाते हैं। तो आप न सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, अगले क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, यही यूपीएससी चाहता है कि जब ये शब्द आपके साथ खेले गए, क्वेश्चन उसमें क्या लिखा, इसमें लाइन लिखा कि इन्फ्लेशन ना होने, कंट्रोल होने की वजह से उनकी जो इनकम थी वो डाउन हो गई, आपको तुरंत ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इनकम। अगर आप इसको रट के आगे निकल गए मामला साफ हो जाएगा, लेकिन आपको अपने टीचर से बात करना, सर इन दोनों के बीच का संबंध कैसे स्थापित होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, अभी इस क्वेश्चन पे मैं 2 घंटे की क्लास ले सकता हूं कि भारत सरकार की जितनी भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, परसों नरसों प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि हमारा दो ही उद्देश्य है, एक दलित विकास और दूसरा ग्रामीण विकास, आया था स्टेटमेंट, और उसका सीधा सा मतलब कुछ और नहीं है, मैं पूरी कहानी को इस पर लाकर पटक सकता हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या रीजन है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए इतनी योजनाएं चला रही है, लास्ट ईयर जो ग्रामीण विकास का बजट था वो अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट है, आज तक कभी ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए इतना कभी बजट एलोकेट नहीं किया गया, क्या यह सरकार की श्रद्धा है या इस समय भारत की मजबूरी है, और वो मजबूरी कहां है, मैं इसको पूरी क्लास में एनालाइज कर सकता हूं, इस पीपीपी को, परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डन, अब आपका जो है एक एडिटोरियल रेडी है, आप इस तरह एडिटोरियल क्रैक करना शुरू करो। अब आपने देखा कि इसको क्रैक करने के लिए आपको एक
अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट अपने दिमाग को लगानी पड़ी, कंट्रोल करके रखना पड़ा। अरे यार ये इस लाइन का जो है वो क्रैक्स क्या होगा, पूरी लाइन को मैंने क्या किया था, एक छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट करना शुरू किया था। तो पहले इसको हम लोग बोलते हैं कुंजी वाक्य, इसी को बोलते हैं की वर्ड। कीवर्ड वो होता है जो पूरी सेंटेंस, पूरे वाक्य का अर्थ प्रस्तुत कर दे। ग्रामीण संकट क्या है स्थिति, उसमें लिखा आता है आज की स्थिति बहुत निराशाजनक है। मैंने कहा निराशा, ठीक है निराशाजनक, या मुझे ये भी नहीं लिखना है, नहीं वो फेस इमोजी आता है उसके तो मास्टर हो ना तुम लोग, बना दो, क्या जरूरत है, तुम क्यों निराशा लिख रहे हो। मैंने उसको हटाया और एक जो है वो एक सौरो फेस होता नहीं, उसमें बनाते हैं, तुम लोग ज्यादा अच्छा बना लोगे। हाँ स्माइली का उल्टा, स्माइली बनाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सौरो फेस बना दिया, निराशाजनक है ना निराशा, स्थिति गिरती चली जा रही है। ये क्या बता रहा है, जिगजैग, ये लगातार जो है वो क्या हो रही है, गिर रही है स्थिति। डाउनग्रेडेड का मतलब हालात ठीक नहीं है। तो आप क्या करें, आपको वो चीज अगर मैं पढ़कर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता हूं बिना उसको देखे, आपके सामने जो है उसको याद करके दिखा दो, ये मेरा आउटकम है ना। आप कितने सुंदर नोट्स बनाते हो, 6-7 कलर का जो है पेन लगा देते हो और आपको आता कुछ नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है टाइम, टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आज जो मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर आप इसको कंटिन्यू करके रखते हो तो वाकई में 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर आपका नहीं है, इससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर आप उस पूरे न्यूज़पेपर को तोड़ मोड़ के फेंक दोगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे आपकी आदत का हिस्सा हो जाए। जब ये तुम्हारी कॉपियों तुम्हारे पेजेस से निकलकर तुम्हारे दिमाग में एंटर हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी क्लास तुम्हारी है, बट अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। आज इस क्लास से जाने के बाद एक जानवर का नाम लिया जाता है कि उसकी पूंछ को लंबे समय तक जो है नली में रखो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी, इट्स अप टू यू। और आज से सीख कर अपने आप को चेंज करने के लिए यहाँ आए हो तो इट्स अप टू यू, रास्ते तुम्हारे हैं, जो रास्ता चुनोगे अंतिम समय में परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की मैंने तुम्हें बताया था जमीन पर परछाइयाँ नहीं बनती, यहाँ साया सबसे पहले साथ छोड़ देता है। दुनिया में तुमने सुना होगा कि मुसीबत के समय साया भी साथ छोड़ देता है, वो यही मुसीबत है। अंतिम समय एक ऐसा समय आएगा जहां पर ना तुम्हारा समाज, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे माता पिता, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर तुम सक्सेस होते हो तो दुनिया तुम्हारी, और फेल होते हो तो पूरी दुनिया की आलोचना झेलने के लिए तैयार रहना, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूं कि दुनिया जो है वो केवल परिणाम देखती, प्रयास नहीं। तुम्हारे अपने ही कहेंगे कि कॉपियों के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ता होगा, पिक्चर देखने जाता होगा हमारे पैसे से, कोई नहीं पूछेगा कि फेल और पास के बीच का अंतर कैसे तय हुआ। सो इट्स अप टू यू, आज तुम जो रास्ता तय करोगे परिणाम तुम्हारे हिस्से में आएगा। अगर आज पत्थर तुम्हारे पैरों में लगेंगे कल तुम्हारे लिए सुनहरी घास है। ये पूरी जो द्रव्य और ऊर्जा है ना संसार की वो संरक्षित रहती। जो लोग मेरे ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं मैं यहीं से अपनी ज्योग्राफी क्लास शुरू करता हूँ, एनर्जी एंड मैटर, ये बहुत सिद्धांत है। आज मजा काट लो कल तुम्हारे हिस्से में सजा आएगी, कल जीविका के लिए परेशान रहोगे 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, और आज जितनी तकलीफ सहलोगे कल उतना मजा है, ठीक है, बराबर रहेगा ऐसा, टेंशन मत लेना। चलिए तो आप इसको कंटिन्यू करके रखिए, बनाइए इसको। अब आपके हाथ में एक हथियार मैंने दे दिया, अब इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये देखना है। मैंने इंसानों को दिया है, बंदरों को। हाँ